सेंट्रल जेल। वैसे तो किसी भी जेल में हर तरह के मुजरिम मिल जाएंगे, लेकिन यहां एक ऐसा अपराधी कैद है। हे, तेरा टाइम आ गया। जिसने जुर्म की दुनिया में एक नया इतिहास रच डाला। पीजा, जुर्म को ही अपना धर्म और कर्म मानने वाला। किडनैपिंग, मर्डर, डकैती, स्मगलिंग, ड्रग्स, ऐसा कोई जुर्म नहीं है जो उसने ना किया हो। जेल के बाकी कैदी उसे मौत के देवता के नाम से जानते हैं। भेड़िए से ज्यादा खतरनाक, लोमड़ी से ज्यादा चालाक और चीते से ज्यादा फुर्तीला। वो जहां से भी गुजरे वहां किसी का मरना तय है। नाम बोल बे। गंगाधर बीजा। तनातोस। क्या खरीदोस? मौत का सौदागर। लोगों को मौत की नींद सुलाता है। इसका वार कभी खाली नहीं जाता। लोग इसे मौत का देवता कहते हैं। बूढ़ा हो, बच्चा हो या जवान, किसी को नहीं छोड़ता। भगवान को तरस आ जाएगा, लेकिन इसे नहीं आता। लोगों के मरने पर डांडिया पीटता है। देखना आज ये उसका गेम बजा डालेगा। ए शाणे, तुझे जिसे टपका रहा है वो हॉस्पिटल की खाट पे है। उसे अर्थी की खाट पे लेटाना है। ये सरकारी मेहमान सरकार के लिए बने सिर दर्द को मारने के लिए आया है। सलाम सर। तो बाहर जा। ठीक है सर। जेल के बाहर रहकर इसने जितने कत्ल किए उससे कहीं ज्यादा मर्डर जेल में रहकर किए। एक चलता फिरता कहर है ये, तबाही की लहर है ये। इतना खूंखार है ये कि माँ बाप ने अपने बच्चों का नाम बीजा रखना बंद कर दिया। चाकू इधर ला रहे। ए वहीं रुक, शायद कोई आ रहा है। ए, उमें क्या है? वो कहते हैं ना कि अगर सांप को दूध पिलाओगे तो बदले में वो एक दिन जहर ही उगलेगा। इसका अगला टारगेट है मारी, क्योंकि मारी ने इसके भाई को बड़ी बेरहमी से मार डाला। इसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चलती है, किल मारी। वो अपने भाई के खून का बदला मारी के खून से लेना चाहता है, लेकिन मारी का नेटवर्क इतना तगड़ा है कि उसने उस पर जेल में भी हमले करवा दिए। कल तक जो चींटी को मारने से भी डरता था, आज वो इंसानों को किसी मच्छर की तरह मारता है। अब उसका एक ही मिशन है, किल मारी। दादा, मैं भेज रहा हूँ। दादा, क्या हुआ? तूफान आ रहा है। लग गया तो मम्मी। बच्चे की तरह डरता है, अपुन संभाल लेगा। स्वागत है आपका, आइए बैठ जाइए। ठर्रा पिएंगे या देसी? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं नूडल भाई, आप ही कुछ करो ना। अरे ये रोको। अपुन किसी को ढूंढ रहा है। किसको बे? इधर बोल, किससे बात कर रहे? उसका कोई नाम पता है क्या? छोटू चुप रह। उसको इस ढाबे की दही कचौरी बहुत पसंद है। सुना है देसी घी में कचौरी बनाते हो तुम लोग, वही खाने आता है वो। अगर तू मेरे को उसका पता और रेसिपी बताएगा तो अपुन तेरे को नई बंडी दिलाएगा। अभी बताता अपुन। ये ले। ये क्या है? जो भी उसका पता पूछे उसे ये चिट्ठी देने बोला है। किसने? मारी। चल पढ़। बकरी शेर से दूर रहे, उसी में भलाई है। जिस बिल से आया ना उसी बिल में घुस जा, कल्टी मार ले। नहीं मारा तो तेरी। अपुन को ठसा रहा है क्यों रे? लल्लू समझे लाए। अपुन को नूडल बाल बोलते हैं। पांच तक गिनती करेगा, मैं पता या फोन नंबर नहीं दिया तो ठोक देगा, लेकिन उससे पहले तेरे को डालेंगे मैं। चल बता किधर है वो। अरे बोलना। एक। क्या रे, अपनी मौत की गिनती तू खुद कर रहा है? मैं गिनूंगा। एक, दो, तीन, तीन के बाद चार, और अब
चीटिंग अब इसकी बारी। ये बच्चा है बोल के छोड़ेगा नहीं, मैं घुसा डालेगा सीधा। बाल की वजह से सुनाई नहीं दे रहा है, काट डाल। ए, नूडल बाल बोलते हैं, दो मिनट में काम कर डालेगा। अच्छा किया भोंगा बंद कर दिया इसका। ये 100 रावण मरे तभी चापुन पैदा हुआ। कंपनी तेरे, तू भी तेरे। नूडल बाल। अपन को टपकाने का सपना देख चलेगा, सपने में रामपुरी चक्कू से अपन का सीना एकदम छलनी कर डाल तो भी वांदा नहीं, लेकिन सपने को साकार करने की अगर तूने कोशिश की तो घोसा डालेगा। जो मौत से ना डरे उसे मारना मुश्किल है, यह मारी की पहली और लास्ट फिलॉसफी है। उसे मारने के ऑलरेडी 99 कोशिशें हो चुकी हैं, आज सेंचुरी पूरी हो गई। गोल्डन जुबली। पब्लिक ने अलग अलग तरीके से उसको मारने का ट्राई किया लेकिन कोई फायदा नहीं। ऐसा लगता है जिंदगी का ऊपर वाले से टाई अप करके आए। जैसे दुश्मनों की जान लेता है वैसे दोस्तों पर जान निछावर करता है। इस पर इतने अटैक हुए हैं कि अटैक को भी हार्ट अटैक आ गया। तुम्हारे बिना हॉस्पिटल में नहीं। सिस्टर एक मिनट रुको, क्या हुआ? आपन को घुस गया। क्या घुसा? चक्कू इधर देख। मैं दुनिया की पहली नर्स हूँ जिसे पेशेंट ने व्हीलचेयर में बैठा के उसका इलाज करवाया और फिर हॉस्पिटल का बिल भरा। मैंने एक से एक ढीठ लोगों को देखा है लेकिन ऐसा ढीठ कभी नहीं देखा। एक बार किसी ने उसके गुटके में जहर मिलाया था लेकिन वो भी फेल, जहर ने जहर को काट डाला। ये डॉक्टर, पहली बार इंसान की बॉडी पर जहर असर नहीं कर रहा इसका गवाह मैं हूँ। लोग मारने के लिए ट्राई करते रहेंगे तो हम लोग थोड़ी ना पंडित घराने से जो चुप बैठे रहेंगे। वैसे मारी एक बार माफ कर भी दे लेकिन एक बंदा है जो नहीं करेगा। गलाई मारी का जिगरी। ये श्री वर्धा का बड़ा बेटा, मैं खुद को मरते हुए नहीं देख सकता रे बाबा। बोल दे 100 पावली दोस्त बनाने से अच्छा एक मरद दोस्त पालो। क्या ना मैन, केसरी बोले तो बहुत पावरफुल है लेकिन उसकी एक दुखती रग है, कोकेन।
एक टाइम पे उसके फादर का पाउडर का बहुत बड़ा बिजनेस था। क्या है ना, केसरी को दो टाइम का खाना मत दो, चलेगा उसको। लेकिन कोकेन खींचने को मंगता तो मंगता ही है, और अपुन का मारी बोले तो एकदम ऑपोजिट है। नशेड़ी लोग की मैयत में भी नहीं जाता मैन। ए, रो मत बे, गीला मत हो, बापू को भूल जा। अपुन है ना, अपने बापू का बहुत कंडर आउट किया रे। वर्धा भाई केसरी का पिता, उन्होंने लाल चंदन के धंधे में सबको पीछे छोड़ दिया था। इलाके में उनके नाम का सिक्का चलता था, माला माल थे वो, और आज वही वर्धा भाई माला में लिपटे हुए थे। वर्धा गैंग की इच्छा थी कि मारे भाई कंपनी के हेड बने। मारी तेंदुलकर की तरह बिना कैप्टनसी के ज्यादा अच्छा मारता है। केसरी वर्धा चाचू का वारिस है, और उसका छोटा भाई वल्लभ उसको सपोर्ट करेगा, और आपुन इन दोनों का पिल्लर है। मैं हल्के में बोलूंगा, तू भारी में ले। आज से मारे जो बोलेंगे वही पहला और आखिरी ऑर्डर होएगा। वर्धा भाई के मारने का सबसे ज्यादा फायदा ऑपोजिशन गैंग ने उठाया। यादव वर्धा भाई के बाद यादव को दूर रखने के लिए हम जो कुछ कर सकते थे हम करते थे। इधर मारी का रुतबा बढ़ने लगा, उधर यादव का धंधा और उसका नाम का कद छोटा होने लगा। जितने उसके सर पे बाल थे उतनी बार उसने मारी का गेम बजाने को ट्राई किया, लेकिन फेल हुआ। लेकिन वो एक बात भूल गया, 100 यादव पे एक मारी भारी। वेलकम मारी। ये काई को? अरे फुकट गए। ओके। ए कम 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 कम। चल वन 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 वन। चला। ये इतने भीड़ भड़क के मैं रिक्शा चलाती है, दिमाग नहीं है क्या? ये ड्राइविंग का स्टाइल अपन राउडी बेबी से ही सीखा है। ए जानू, तेरे से मिलने के वास्ते अपन 4 कस्टमर को रास्ते में ही फेंक दिया। सारे सिग्नल तोड़ के अपने डार्लिंग से चिपकने के वास्ते छिपकली की माफिक दौड़ी चली आई। गंदा मत कर, छोड़। खाली पीली अपन के झूठे प्यार का ढिंडोरा पीटेगी ना तो तेरे को 30+ नाइट को जला डालेगा। मतलब अपन तेरी खुफिया लवर है, छुप छुप के मजा ही कचा रहे। ए अपन ही निकल दे। क्या मैं? अबे लव नहीं करने की एक्टिंग मत करा। ए, हट्टा मत बन रहे। प्यार नहीं है तो अपन को ऑटो काय को दिलाया? ए शनि, ऑटो की दास्तान सुना रहे इसको। अरे शुरू हो जाना मैन। फंसा दिया तू, ऑटो घुमाए भेजा नहीं इसलिए हम लोग ने चंदा जमा करके ऑटो दिलाया। लेकिन मैं तो इसको नागिन बन के डसेगी। लड़की होगी नागिन का बात करता मैं। ए, जा धंधा कर। तो प्यार से बोलना आनंदी, अपन के दिल में तू है, मैं निकल लेगी। कल्टी मारेगी ना आनंदी। हाय, तेरा फिगर देख के अपुन को मिर्गी आने लगती है। हाय मारी, क्या ब्यूटी है। लव यू बेबी। तू एंट्री काय को मारी? अपुन की डाव है मारी। ये फुलझड़ी चाहिए या आइटम बम, डिसाइड कर, भेजा फटने लगा है। मारी को बारूद पसंद है, दोनों मिलकर धमाके करेंगे। चुप ना मारी, मारी। अरे जला हुआ फटाका पीछे हटना। इससे टच भी किया ना तो तेरी नाक फोड़ डालेगी। बेबी देख, अपन से शादी मना ले, समझा ना? तेरे सारे गंदे गंदे कपड़े धोएगी, खाना पकाएगी, सफाई करेगी, तेरी अच्छी लाइफ सेट कर डालेगी। भाव कैको खाता है? अपन को ऐसी मजबूत घर वाली चाहिए, क्योंकि अपन के घर पे मजबूत पलंग है, और कपड़ा धोना बर्तन मांजना तो काम वाली भी करती है। चल निकल यहाँ से। हेलो, अपुन भी ऑटो चलाती है। और हाँ, तेरे दो फोकटियों के माफिक नल्ली नहीं है मैं। अपुन को तेरा पैसा नहीं चाहिए, अपुन खुद कमा के घर का राशन पानी भर डालेगी। अपुन दिल से ते को लव करती है। अपुन हाँ? ये हार का गुच्छा तेरे गले में डाल के शादी बनाएगा। तो शादी करेगी अपुन से? नको। काई को? जालिम दुनिया नहीं मानेगी रे। चुपचाप पहन, नहीं मानूंगा। आज से ये मारी बरमचारी, रिक्शा का मीटर डाउन करके कल्टी मार ले। अपुन तेरी याद में ना बेवड़ा मारेगी ना टेस उबाएगी। अपनी चौखट तेरे वास्ते खुले लिए। ए ड्राइवर, ऑटो इधर खड़ा है, चल निकल चल। रिक्शा का रिक्शा मार।
हम दोनों की जोड़ी कैसी है? हाथी और बगले जैसी है मैन। अब और कान मत खा, ऑटो ले और निकल। मारी बाद में मिलता हूँ। आप उनके गले मत पड़, आप उनका सुरक्षा कवच है तू। चल कल्टी कल्टी कल्टी। यहाँ पे पूरी दुनिया को मारी हिला के रखता है, वहाँ पे एक कौली काली पीली ऑटो वाली मारी को हिला के चली गई। इसका कुछ करना पड़ेगा देवा। धर्म के नाम पे दंगा और औरत से पंगा, ये दोनों ही करते हैं नंगा। बी केयरफुल मैन। पूरे एरिया के लोग उससे इसलिए ठसते हैं क्योंकि वो लोगों को लगता है कि वो मिसेज मारी है चाय के साथ खा रही है। बाय मेरे चावे। मेरे को छावा बोलती है उसकी इतनी हिम्मत। अरे अगली बार बालों को छुआना, बाल बाल नहीं बचेगा मैन। ये बच्चन उसको दे रहा था कि मेरे को? उसको दिया, आपको लगा क्या? ये औरत चले छोड़ दे, समझा? तेरी तो मारी का वजन कम हो रहा है उस लड़की की वजह से, पूरे मार्केट में तेरी जात का। अपुन इतना हार्ड कोर है जो वो अपुन की मूछ पे लटकना चाहती है? वही तो मैं भी सोच रहा था, उसको दिखा क्या? हे, अपुन का मारी लोहे की आ रही। वैसे नहीं मारी, दिल अच्छा लगा रहेगा। एक बात बता वंटा, है लड़की किसको लाइक करती है? नहीं, अरे जिसकी मूछों को देख के लड़की की जुल्फों में अंगार लग जाए। सही है। मारी की इतनी दीवानी थी उसकी माफी ऑटो चलाने लगी, बच्चों लोग को घुमाने लगी, और तो और शेयरिंग ऑटो की लीडर भी बन गई। लेकिन मारी के सामने आते ही मलाई कुल्फी माफी पिघल जाती है। क्या लफड़ा है इन लोग का? अपुन का ऑटो पहले खड़ा था, समझा ना? कुछ भी बोल रही है, निकल। ओ येड़ी से दूर रहे भाई। और तो और येड़ी ने स्मगलिंग भी शुरू कर दिया। सच बोल रही है ना साहब? अपन के थोपड़े से लगता है अपन गलत काम करेगी। ठीक है निकल चल। और ये सब सिर्फ मारी को इम्प्रेस करने के लिए। आओ साले साहब, गिन ले। वो कितने भी कर ले जतन और मारी के नाक में कर ले दम, लेकिन मारी को रसगुल्ला नहीं गुलाब जामुन पसंद है। आज अपन 100 नाकाम हम लोग का केक काट रहा है, मजा करने का, काजू बादाम वाला केक खाने का। हैप्पी मर्डर डे मारी। बर्थडे नहीं है, हमला देवास है। तू तो क्रिश्चियन है ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिटर्न्स हैप्पी डे ऑफ द अटैक डे। देख होशियारी से रे, यादव तेरे को उड़ाना चाहता है। ए गफूर टेलर के पास जा, फट रही है तो सिलाई मार के आ जा, अपने जिगरी को कोई छूके तो दिखाए तेरे काट डालेंगे। अब तक अपन को कितने डके है? 12,575 और 150 लीटर खून बह गया। पूछो की लाज रख ली अपने शेर ने। आपने लोगों को बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए तो देखा होगा, लेकिन आप जानते हैं कि मारी और उसका गैंग आज किस बात का जश्न मना रहा है? क्योंकि मारी पर 100 अनसक्सेसफुल मर्डर अटेम्प्ट्स हुए हैं। अगर आम आदमी पर वार हो जाए तो वो शनिवार को मंदिर जाकर भगवान को प्रसाद चढ़ाता है और कहता है कि थैंक गॉड भगवान तूने मुझे बचा लिया। पर न जाने ये कौन सी मिट्टी के बने हैं कि वार होने पर ये शनिवार को जश्न मना रहे हैं। इनके दिल में न पुलिस का डर है और न ही कानून का खौफ। ये अपने इलाके के बेताज बादशाह हैं, जिनकी सल्तनत में हमेशा धूम रहती है। कोई आड़ा फटेगा तो काट डालूंगा। नागिन। मारी हिया पधारेगा हम कल्पना नहीं किया था। बचवा तुमको ऊपर पहुंचाने के लिए इतने लोग भेजे, लेकिन तुमको डर नहीं लगा? डर तो बहुत लग रहा था। सच बोल रहा है। लेकिन तेरे से नहीं तो खुद से। अपना बापू स्वर्ग में राउंड क्या मारने गया? तेरे छोकरे लोग अपने एरिया में बहुत घुस रहे, तकलीफ हो जाएंगी तेरे को। बिना तकलीफ के हम यहाँ नहीं पहुंचे। ए अपन लोगों का टाइम खोटी मत कर, सलूशन बता। चेन्नई हिंदुस्तान के नारकोटिक्स का राजधानी बन चुका है। केनिया से माल सीधा यहाँ आता था। अपना बिजनेस हमारी सेहत की तरह बिना किसी झंझट के फल फूल रहा था। तभी केनियन गैंग के लोकल लोग डील में हमारा प्रॉफिट कम करके बिजनेस को अपने कब्जे में लेना चाहते थे। उनकी बदलती हुई हरकतों की वजह से कस्टम वाले अलर्ट हो गए। उन्होंने अपने आदमियों को मारना शुरू कर दिया जो पुलिस की नजर में आ गए थे, और हमको धंधे से निकाल दिया। इसीलिए उनका खात्मा जरूरी है, क्योंकि तभी तो इन नशे के धंधे में हमारा पकड़ होगा। मारी बचवा पे हमको भरोसा है, अगर तुम लोग साथ दो तो हम तुम लोगों का जान बख्श देंगे। कथा खत्म हो गई, चले कहाँ? तनी फैसला तो सुनाते जाओ। देख यादव, मारी और पाउडर का 36 का आंकड़ा है। 37 का होगा तो भी हमको फर्क नहीं ना पड़ता है बचवा, बच नहीं पाओगे भैया। आप सिर्फ होठ हिलाइए, इन्हें सलाद की तरह काट के रख देंगे।
हम चाहे तो सबका पेस्ट कंट्रोल करवा सकते हैं। कीटनाशक के बारे में सुना है? देख अपन हनीमून पे जा रहे हैं। अगर दिमाग की चर्बी पिघलाई ना तो तेरे को मून पे भेज डालेगा। और अंदर की बात, अपन को तेरे साथ कोई लोचा लपाचा नहीं मांगता। अरे हम तो खुद गुंडा लोगों से डरता हूँ। गैया का पुजारी हूँ भैया। तेरे टकले में भेजा वेजा है कि नहीं? वो तो सुबह पेट अच्छे से साफ हुआ बोल के मूड अच्छा, वरना उल्टा करके तेरे पीठ पे अंडा चोकड़ी खिलता। क्या हुआ? अरे ये गोली कौन तरफ से चल गई, पता ही नहीं चला ससुरा। क्या बे? क्या पेट ले को चंदन में सुलगाऊं क्या? यादव पता था तू बीटेक्स नहीं लगा था इसलिए तेरे को खुजली होएंगी। आप उन कारतूस पे बीटेक्स मलम लगा के गन में डाल के खुजली वाली जगह पे ठोक डालेगा। केसरे अपना फरमान सुना इसको, अपने को बहुत हल्के में ले रहा है। एक बार स्कूल का टाइम टेबल चेंज हो गया, अपन ने प्रिंसिपल को पेंसिल घुसा दिया। सिस्टम चेंज होएगा नहीं, जितना इलाका तेरे को दिया उतने में खुश रहे, वरना बचपन में पेंसिल घुसाता था अभी कुप्ती घुसाएंगे। चल मारे। यूपी बिहार से आके अपन के ऊपर शान पट्टी कर ले। केसरी एक आइडिया आया है, समंदर के बीचों बीच एक टोल नाका बना डालते हैं। बड़े जहाज का 100 रुपया, छोटी छोटी होड़ी का 20-20 रुपया। सोचना दिन में कितना इनकम होएगा। यादव के ऑफर को लात मार के गलती तो नहीं की क्या? नहीं नहीं, उसका पंटर बन के नहीं, मेन आदमी का पता लगा लेते, फिर वो काले लोग को खुद ही जाके बेच देंगे। क्या बोला? बस क्या बच्ची, अपने को मालूम है पाउडर का धंधा नहीं करने का। तेरी टेर ले रहा था। तू टेर भी नहीं ले रहा था है ना? देख भंटा, खुद मर्सिडीज में बैठने के लिए दूसरों को पाउडर बेच के अर्थी पे लेटाना अच्छी बात नहीं है। और पैसा हाथ का मैल है, उसको कमाने के लिए ज्यादा हाथ मैला नहीं कर सकते। तुम पे विश्वास करके हमने गलती की, अपने उस बड़े भैया को भी नहीं बनवा पाए। सड़क के डॉगी जितनी तुम्हारी वैल्यू है। देख अपन ने फुल ट्राई मारा, अब इससे ज्यादा क्या उखाड़ेगा। इधर आता है तो अपुन की हलक में आ जाती है, किसी ने देख लिया ना तो अपुन के 44 हो जाएंगे। सोचा था कोकीन का लालच देगा तो भाई राजी होगा, पर वो मारी का पिल्ला अपुन के हर एक पिलान में टांग अड़ाता रहता है। देखा बल्ला, ज्यादा चू चपड़ नहीं है तो ऊपर का रास्ता बताएंगे। केनिया का सारा बिजनेस तेरे को अपुन की बदौलत मिला है, थोड़ा लिमिट में समझाना। हमको थोड़ा थोड़ा नहीं कमाना है, एक बार में बिल्डिंग खड़ी करनी है। कैसे करेंगे बता? अच्छा चल तू बता। सिर्फ मारी में बूता है सब करने का। हेलो, एक और मीटिंग फिक्स करवा, फिर से कोशिश करेंगे। उसमें क्या है? फालो। ए, पता है आदमी टेढ़ा है, पर पोस्टर तो सीधा लगा सकता है ना? किधर से फोटोशॉप कराया है रे? मेरे से गोरी दिख रही है रे तू? ए शानी कुच्ची, ऐसा लगता है आटे में नहा के आई है। ए किससे परमिशन लेके मारी का फोटो पोस्टर पे लगा रहा है? ऐसा है क्या? चल उसका परमिशन लेके आती मैं। ए, 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 जा रही है। शेर के मुंह में हाथ डालेगी ना तो अपने हाथ से हाथ धो बैठेगी। बात बोलना नहीं, हम लोग ने बोला नहीं, टिकट कट जाएगी। मैं रहे मारे लाए क्या? उसको पटाने का तरीका बता। अरे क्या तू इसको अपना लव गुरु कैसे बना रही है रे? 40 साल का अंकल तेरे को क्या ही कहेगा? गटर बंद कर। मर्द को औरत की जो अदा लुभाती है वो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वो अदा मेरे अंदर कूट कूट के भरी है। अदा बोला पा, अदा नहीं। टेंशन मत ले रहे तू। लड़की लुभावनी होनी चाहिए, जाल में लज्जा को नहीं मांगती है। ऐसे बात करे तो जैसे लवंग की खुशबू होनी चाहिए। समझे नहीं मैं। ये तो चलता फिरता जूस सेंटर है। दादा बोलेगा तो तेरा रस निकाल दूंगा। कंटिन्यू। मुंह से अत्तर की खुशबू आनी चाहिए। नहीं समझी? एयर फ्रेशनर जेब में रख के बात करना। मारी जब भी मैं रात को सोती हूँ ना तो 12 फीट की सीढ़ी लगा के मेरे दिल में कड़कड़ उतरता है। जानता है काहे को? काहे को? क्योंकि जब से तू मेरे दिल की ऑटो का पैसेंजर बना है, उसका इंजन ऑटो स्टार्ट होके भकभक झटका मार के बंद होता है। ये सब मैं नहीं कर पाई। अरे ये चिंपांजी पर सूट नहीं करता, तेरे पे करेगा। एक्सपीरियंस है मेरे को। गोड़ी नहीं चढ़ा तो क्या हुआ? कई दूल्हे देखे। मारिया क्या? ये फोटो विदाउट परमिशन कैसे लगाया? मारी भाई ने आज तक फेसबुक पे फोटो नहीं डाला, तुम लोग ने इधर डाल दिया। हाँ वो भी डालने का था तो अच्छा डालने का था। पीछे आ जा ब्रो, वरना पहली तेरे को ही पड़ेगी। चलो रे। ओए ये मेरे को पोस्टर पे कौन टांग दिया रे? ए तू इधर आ रे। यूपी बिहार हिल जाना चाहिए। अरे एक नंबर टीचर है। ये क्या कर रही है? देख इसकी कमर लचक गई क्या? दूसरी वजह भी देख, मारी अभी फैट हो जाएगा। तू जिस तरह से ऑटो चलाती है ना, आप उनको मालूम था एक दिन तू अपनी टांग तोड़वाएगी। एक मिनट रुकना, याद करने दे। क्या? हाँ। अरे
ये क्या बुलिंग करने वाली है? तेरे को देख के दिल का ऑटो स्टार्ट हो जाता है और पटापट पटपट रिक्शा की तरह दौड़ता है। अगर तूने हाँ बोल दिया ना तो अपन तेरे को दिल में बिठाकर कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सैर कराएगी और भाड़ा भी नहीं लेगी। मैंने इसको क्या बोला था और ये क्या बोल रही रे बाबा? क्या रे चावे, प्यार हो गया क्या? बाबा तेरा आइडिया हिट है। आज इसको मेरे से लव हो गया। गांव का टिकट निकाल दे। धुलाई पक्की है भाई। मेरे को बाल्टी में उतरने का आइडिया देते हो? अबे मत करना यार। अरे मेरी तरफ से दो बार और कूट इसको। दो नहीं, चार। अभी इनमें कोई गलती नहीं है। तेरे को नहीं फोड़ सकता इसलिए इनको फोड़ रहे लाऊं। सवा घंटे का टाइम है तेरे पास। एरिया में से पूरे पोस्टर निकाल डाल। मेरे दोस्तों, मतलब तू रेडियो ऑटो स्टैंड की ओपनिंग नहीं करेगा? हाँ, ओपनिंग कर दे और हमारी क्लोजिंग कर दे। प्यार से बोलेगा तो करेगा। लगता है तुम लोगों को रिपीट टेलीकास्ट बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, बहुत पसंद है रिपीट टेलीकास्ट। वो आएगा कि नहीं? अरे कौए की जबान सबर करना, जरूर आएगा। ये लाशें हैं केनियन गैंग की। इन्हीं के साथ यादव ड्रग्स की डीलिंग करने वाला था। इन्हें मारने वाला कोई और नहीं बल्कि बीजा है। वो चाहता तो ड्रग्स लेके भाग सकता था लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। यादव को ड्रग्स सौंप के उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता था ताकि उसके साथ मिलकर मारी से बदला ले सके। सबको सुला डाला फिर यहां बैठ के किसकी राह तक रहे थे? सारा माल लेके चंपत क्यों नहीं हो गया? आप उन ड्रग के लिए नहीं आए तो फिर काहे आए हो? मारी, मारी से तुमरी का खुन्नस है। आज से 8 साल पहले एक रावड़ी को फोड़ने के चक्कर में आपन जमा हो गया। पिंजरे में घुसते ही आपन को क्लिक हुआ कि सारे नंबरकारी मारी के फंटर है। हमको जल्दी से छुड़ाई लो वरना हमको मार देंगे। घबरा मत छोटे, तेरा भाई सब संभाल लेगा। गुंडे लोग अपुन के भाई को भगवान मानते थे क्योंकि वो चाबुक वकील था। कितनी बुरी तरह से तुझे मारा है बीजा, बस 2 दिन और वेट कर ले, मैं किसी भी हाल में तुझे बाहर निकाल लूंगा। हमको यहाँ से जल्दी निकालो नहीं तो जहर लाके दे दो। ए, ये तू क्या नाप शनाप बोल रहा है? तू ही अपुन की जिंदगी और फैमिली है रे, तेरे लिए तो मैं जज से भी लड़ जाऊंगा। अपुन को भाई बाहर निकालता उसके पहले ही निकाल देते। ए, पता तेरे भाई को टपका डाला और अब तेरा नंबर है। एक फटके में गया वो। चल चल पानी पी। बचाएगा इसको। हमरे भैया मर गए का? अरे भाई पक्की खबर है। कौन मारा? मारी नाम है, बहुत बड़ा गुंडा है। लड़की की इज्जत पे हाथ डालता है तेरी जॉब का? तू थक गया? तुम जैसे जानवरों की वजह से ही महिलाएं सुरक्षित नहीं है। फर्स्ट टाइम आपन मारी का नाम सुना। जब किसी पर जुल्म करो तो इतना करो कि वो तड़प कर मर जाए, नहीं तो उसके अंदर से एक जानवर का जन्म होता है। आपन के अंदर से भी एक आदमखोर जानवर ने जन्म लिया। कल दांत निकाला था, आज कुछ और निकाल दे क्या? छोड़ना। अबे तू तो बना क्या? क्या रे, पुलिस भी बिल नहीं भरती और मोमबत्ती भी नहीं रखती। ए, कौन है बे? सामने आ! जिसकी कभी अंधेरे से भी फटती थी आज वो लोगों की जिंदगी की लालटेन बुझा रहा है। उसी पल से आपन ने शराफत की पगड़ी हटा के मौत का चोला सिलवा डाला। अब आपन के भाई की चिता की आग तभी बुझेगी जब आपन उसकी चिता को जलाएगा। मारी। भैया अगर तुम इतने नामचीन खूनी हो तो मारी का खून काहे नहीं कर पाए? आपन उसको हलवा मौत नहीं देना चाहता, ऐसी मौत देना चाहता है कि वो अपन को नरक में भी नहीं भूले। अब उसे बचाने के लिए जो भी आएगा वो पहले ऊपर जाएगा। उस तक पहुंचने की 2 सीढ़ियां हैं, एक तो ये पाउडर और दूसरा ये कनखजुआ। बहुत भड़कीला गुस्सा है, अगर मरद हो तो जाके मारी के पेट में चाकू घुसेड़ दो। बदले में हम तुमको इतना ड्रग देंगे जितना तुम्हारा वजन भी नहीं होगा। हाँ, गुस्सा करना पाप है
और गुस्से में आकर मारना महापाप, लेकिन बदले के लिए तड़पा कर मारना पुण्य है। दिवाली में आपन पटाखे फोड़ के शोर नहीं मचाता, मौत का अनार जलाता है। अरे सात जन्म तो क्या, तू आठवें जन्म में भी मारी को मार नहीं पाएगा। कायदे में रहेगा तो फायदे में रहेगा। डील मंजूर है तो बोल। ऐसा होना मांगता है कि सामने वाला फाफड़े की तरह फड़फड़ा जाना मांगता है। क्या रे, धूप में बैठ के तुम लोग फाफड़ा और जलेबी तल रहे हो? ब्रो तेरे वास्ते पंच लाइन ढूंढ रहे है। क्या पंच लाइन रे? माथे पे आयला है मोटा फोड़ा, मारी के मुक्के ने उसको तोड़ा, मारी ये पावरफुल घोड़ा, थकेला पंच मारा। अपन को घोड़ा गाय को बना रहे ले रहे तुम लोग? घोड़ा गाड़ी वाला घोड़ा नहीं, अरबी घोड़ा। इस लोकल गुलजार को सुनो, दारू पीना छोड़ा मंगल को, बुधवार को फिर से शुरू कर दिया। इसमें अपन का नाम किधर है? लोचा हो गया, मैं कुछ तो लिखा था लास्ट पेज पे पेंसिल से लिखा। वो पता है ना, अपने डैड को टीच नहीं करते। वो सब छोड़, मारी ये वाली खास तेरे लिए। बोल बोल। If you are bad, I'm your dad. क्या बोला? तू गायला कैसे है? ट्रांसलेशन कर रहा था मैं। आपुन बोलेगा ना तो ही अच्छा लगेगा। सपोर्टिंग है सर। इंग्लिश है ना, वापस बोल। If you are bad, I'm your dad. हाँ बोल। ये तो केजी का बच्चा भी बोलेगा। इसके ऊपर ट्राई मार। केसरी, आपुन इंग्लिश सीख रहे हैं, जरा ध्यान से सुन। If you are bad, we are your dad. कैसा लगा पंच? ये पंच है? कौन सिखा रहे तेरे को ये? ये क्या अपने फंटर लोग? एक छोटा सा काम है, अगर तेरे को प्रॉब्लम ना हो तो तेरी छावी से करा लूंगा। कितना दफा बोलेगा अपन की छावी नहीं है वो? अरे अपन को मालूम है, लेकिन अगर तू हवा देगा तो वो गुब्बारे की तरह उड़ेगी ना। देख, मलेशिया से इम्पोर्टेड सामान का जहाज आता है, मोबाइल चार्जर, नहाने का इम्पोर्टेड साबुन, गाना सुनने का ईयरफोन, बॉडी बिल्डिंग का पाउडर। देख, अगर छोकरे लोग जाएंगे तो पुलिस को शक होगा, लेकिन अगर लड़की गई ना तो मामूलों को पता भी नहीं चलेगा। तू ही जाके बोल के करा लेना बा। मारी, वो अब उनकी नहीं सुनेगी बा, तू सिफारिश का धक्का लगा दे। सुरक्षित तो है ना? अरे बिल्कुल सुरक्षित है भाई, बच्चा भी कर लेगा। अपन की जानिब से आनंदी को बोल कि ये मारी का काम है, छोकरी हंसते खेलते करेगी, और तू जरा देखना आनंदी को कुछ हो नहीं, सेफ्टी चेक कर लेना। यार का झिंगुर काट गया। वो मतलब उल्टा हाथ पड़ेगा ना सीधा हो जाएगा। तो निकल भाई। थैंक्स बा, चल। अपना केसरी कैसा है लाले? हाँ, वो भाभी के साथ है। हाँ, आराम करने दे। शादी के बाद आदमी औरत का पल्लू बन जाता है। महिला स्वावलंबन कमेटी की ओर से आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे शहर की नई कलेक्टर विजय चामुंडेश्वरी पधारी है, तहे दिल से उनका स्वागत। ताली ताली ताली। और इस प्रोग्राम में चार चांद लगाने के लिए आ रहे हैं इस बस्ती के मारी। फूल माला डाल रहे हैं, वो भी इतना सारा गुलाब, जरूर किसी की मैयत उठा के लाया होगा, वरना गुलाब तो बहुत महंगा है। मेरा बस चलता तो अपने दिल की माला मारी के गले में कब कर डाली। बकवास प्रोग्राम है, काली के माफ टमाटर अंडे होते तो अभी फेंकता, तो करेला फेंकता, मेरे लग जाता। दिमाग उबल रेला है अपन का। औरतें अपने पैरों पे खड़ी हो सके इसके लिए मारी जी उन्हें हाथ वाली सिलाई मशीन दे रहे हैं। और जो औरतें मोहल्ले में इधर उधर गिटर पटर करके बुराई करती थी उनके लिए ऑटो। अभी रंगारंग कार्यक्रम होगा, फिर सबको दो दो समोसे मिलेंगे। तेरे को लग रहा है सिर्फ तेरे को ही ऑटो बांटा? अरे देख, सब गरीब लोग को बांटा। थैंक यू। उनका भी थैंक यू। एक मिनट, तुमसे कुछ बात करनी है। दो मिनट में जितना भड़ास निकालने का ही निकाल डाल। मुझे मालूम है कि गुंडागर्दी, स्मगलिंग, इलीगल बिजनेस, इन सब में यादव, केसरी और तुम भी शामिल हो। सबकी फाइल्स पड़ी हैं। अब तक कैसे चलता रहा मैं नहीं जानती, पर अब नहीं चलेगा, मैं चलने ही नहीं दूंगी। तुम्हारे बारे में पूछो तो लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं। यही सच्चाई है, मार्केट में वो सब है ब्रो। अगर तुम मदद करो तो गुंडागर्दी खत्म हो सकती है। अब इसे रिक्वेस्ट समझो या फिर वार्निंग। वार्निंग है मैडम, स्टेज पे मेरे परफॉर्मेंस को देख के तू बहुत फड़फड़ा रही है। उधर अपन इडली माफिक नरम था, इधर डोसे माफिक गरम है। अपने दिल में औरत लोग के लिए बहुत इज्जत है। मैडम आप है ना सरकारी कानून में बंधी हुई हो, और अपुन है शेर। अपुन के लिए ना कायदा है ना कानून है, बस्ती का सुप्रीम कोर्ट है अपुन। दुनिया को सुधारना है ना तो पहले खुद बिगड़ना पड़ता है, और अपुन तो छट्टी के बिगड़े हैं, मिट्टी में ही सुधरेंगे, समझे? चलता है अपुन, लीवर में गुदगुदी हो रही है। तुम पुलिस को कोऑपरेट करो या ना करो, गुंडागर्दी खत्म होके रहेगी। अगर साथ दोगे तो आजाद रहोगे, वरना जेल में सड़ोगे।
औरत हो के मर्दों वाली बात, तुम्हारी बहादुरी को साष्टांग प्रणाम। चलता है, लेट हो गया, घर जाके सो जाए। औरत हो गया, अपन को डसा रही है। कानून उनके साथ है ना। ऐसा नहीं लग रहा था वो अपन के ऊपर प्यार का छिट्टा मार रही थी। लाग अच्छे होते ना। मेरे को भी वो ऐसे ही लगा। ऐसा ना। अरे हेलमेट पहन के मार कर रहा है, हिम्मत तो खबरा दिखाना। मैं प्रे करता हूँ पीपल का भूत तेरे को चिपकेगा और रात को क्या इमोशन ब्रो। हा? तेरा पेन अपन का पेन मैन, सुधरेगा नहीं। चल आज 101 अटेम्प्ट हो गया। उसको पकड़ के लाएगा। नहीं भाई, अपन तेरे से आगे थोड़ी जाएगा, अपन तो पीछे ही रहेगा ना। आज 101 वार हो गया भाई। चावे अपन के सबने देख रहे लाया ना तू। बाप रे, ये कब हुआ? ऐसा कैसे काटा? इसके ऊपर लाल तेल काय को नहीं लगाया तू? टीटानेस हो गया तू? अरे मारी के खून में शुगर आ गया था, वार लगा, शुगर वाला खून बाहर, टेंशन सॉल्व, अचरा निकल गया। इसको तो एकदम तेज बुखार है यार, तुम दोनों की तो ये अगर मेरा छावा टपक गया तो किसके सहारे जिएगी अपन? हा मारी, अपन तेरे को रिक्शे में बिठा के हॉस्पिटल ले जाती, उधर सुई लगवा लेंगे। अपन अस्पताल नहीं जाएगा। पागल है क्या ये? सुई को देख के ही इसकी वही वही निकल जाती है। ऐसी बात है क्या? मारी, सुई के नाम से तेरी सुसु निकलती है। क्या बोले? सुई से अपन को डर लगेगा, बॉडी में ड्रिल मशीन घुसाएगी तो वो भी टेढ़ी हो जाएगी। चल भाग यहाँ से। चल ठीक है, सुई कोई नहीं लगाएगा, तू बस अपन के साथ हॉस्पिटल चल। क्या कर रहा है? हवा का मलम लगाया। पूरा बॉडी चेकअप कराना होगा। हाँ सिस्टर। हाँ। मारी को लोहे से एलर्जी है, पित्तल का इंजेक्शन घुसेड़ना। अच्छा छोड़ी बेटा, छोड़ी, इंजेक्शन खिलाया, अभी चॉकलेट खिलाऊंगा। टोपा टोपा लुंगी नीचे करो। नक्को, मारना है तो ऊपर मार, अपुन नीचे नहीं लगवाएगा। 130 ml मार ले, सुई का दर्द पता ही नहीं चलेगा। हेलो, ये इंजेक्शन बहुत स्ट्रांग है, कूले पे लेना पड़ेगा। शर्मा मत मारी, कमरे में सीसीटीवी नहीं है, सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल नहीं होना मांगता है। देख तेरे को डर लग रहा है तो अपुन का हाथ पकड़ ले तू। पैर तो अपन ने पकड़े लाई है। मारी मारी मारी, आगे बंद करो। देख मारी बहुत ज्यादा टाइट पकड़ लिया, छोड़ मारी, छोड़ छोड़ मारी। ब्लड टेस्ट स्कैन फुल चेकअप किया है, कल रिजल्ट लेके जाना। भाई को फुल मार्क्स देना है। बेटा मारी, तुमको इंजेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग वाला दिया है, चक्कर आ सकता है, संभाल के जाना। हेलो, आपन ढीट क्वालिटी है, दवा को दारू के साथ खाएगा तो चक्कर क्या, चक्कर के बाप को भी चक्कर आ जाएगा। अब उनका छावा सपने में ही मिलता है। बाहर से तो बहुत रफ एंड टफ है अपना छावा, पर दिल एकदम मोम माफिक है। अपना भाई मोम नहीं, मोम बत्ती है, हाथ जला देगा। तेरे को एक बात बताऊं, जब परवाने को प्यार होता है तो वो खुद को जला डालता है। एक दिन अपुन भी इसके प्यार में राख हो जाएगी। अपने पूरे मोहल्ले में इसके जैसा दयालु कोई है ही नहीं। दयालु है अपुन तो इस पे तब से ही फिदा है, जब से इसने अपुन की बहन को बचाया। इतनी देर काहे को फोन मार देती अपुन को, एक चिंता हो रही थी। तू रो काहे को रही है, क्या हुआ तेरे को, बता ना अपुन को। पहले तूने जुए में अपनी सारी प्रॉपर्टी गंवाई और इसलिए अपने भाई को झूठे केस में अंदर करवाया, और अब मेरी मदद से तू उसे मरवाना चाहता है। मेरे लिए शबाब और शराब ही सब कुछ है, दौलत के लिए तो मैं अपने भाई को भी मार सकता हूँ। ये लड़की कौन है? हमारे यहाँ काम करती है, लगता है तू सुधरेगा नहीं। आपको तो पता ही है लड़कियाँ मेरी कमजोरी है। तेरी यही लत तुझे ले डूबेगी। लड़की की इज्जत पे हाथ डालता है, तेरी जॉब का तू तो गया। तुम जैसे जानवरों की वजह से ही महिलाएं सुरक्षित नहीं है। निकल रहे काय को रो रे लिए? अब कौन मुझसे शादी करेगा, सब लोग मुझे ही कलंकित समझेंगे। ये औरतों के माफिक रोना बंद कर, सच्चा प्यार मिलेगा ना तो वो दो चुटकी सिंदूर तेरी मांग में डाल के 7 जन्मों के लिए तेरे को अपना बना के कस्टडी में डाल देगा। मारी के दिल में शुरू से औरतों के लिए इज्जत थी, इसकी यही चादापे अपन बर्फ की तरह पिघल गई। अपुन का तकदीर प्यार की अंगार एक ही तरफ लगी। सो रहा है ना, एक काम करता हूँ ना, सुबह 5 बजे इसको उठाता हूँ और सब कुछ बता देता हूँ। मारी को ये सब मत बताना, अपुन को कम से कम गाली तो देता है, वो भी बंद कर देगा। एक ना एक दिन बत्ती जरूर चलेगी, लेकिन तब तक के लिए ऐसा इज ठीक है।
एक तरफा प्यार में जो तड़पन है ना, उसका अलग ही मजा है। आई लव यू बेबी। ए हीरोइन, मारीना सिर्फ फाइटिंग का काम करता है, डांसिंग का काम हम दोनों करते हैं। मारी का दिल जीतने का है ना, तो एक काम कर। कौन सा काम? अरे एकदम हलवा काम है। सुबह को एक कॉल आएगा, एड्रेस मिलेगा, वहाँ पे रिक्शा में बक्सा डिलीवर करने का है। तू कौन रे? अरे मौसी अपुन आनंदी, फोन पे बात की थी ना। अंदर क्या भरा है कांदा? अरे बाड़ी बनाने का पाउडर है रे। लोचा नहीं होएगा ना? बच्चा भी कर सकता है। ए रोक रोक रोक। नमस्ते साहब। हाँ निकल निकल चल। आनंदी आप नीचे बोलो ना सर। रास्ते में तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, कोई प्रॉब्लम हो तो आप उनको बताना। प्रॉब्लम का दूसरा नाम आनंदी है सर। और हाँ, मारी पूछे तो अपन के बारे में लंबी लंबी हाँकना। छोटे काट इसको। कोकेन पाउडर है, करोड़ों का माल है भाई। तेरे को जिंदा नहीं रहना है क्या? आखिरी बार पूछता है भाई, सप्लायर का नाम बता। अबे जल्दी करना, डिलीवरी का टाइम हो गया। कोई लपा चमक करता ही नहीं है। ये तुम्हारी की 26 है ना? अरे हाँ वही है, इधर क्या कर रहे लिए? अरे केसरी भैया आज इधर कैसे? मारी किधर है? मारी के चक्कर में मारी मारी फिर रही है। इसमें क्या? कुछ बॉडी बीडी बनाने का पाउडर है, मैं ज्यादा पूछती नहीं है, कम जानने में ही चपून का फायदा है। वैसे भी खोलने को मना किया है। तेरे को इसकी ड्यूटी पे कौन लगा है? मारी सब पे भारी। क्या बात कर रही है? क्यों क्या हुआ, कुछ लपाचा है क्या? नहीं नहीं, बहुत शरीफ लोग है, पहचान वाले, यही छोड़ दे, मैं देख लूंगा, तू कर जा। अपुन मारी से बात करती है, फोन लगाओ क्या? ए केसरी ने बोला ना, तो फिर अपुन को क्या टेंशन? सही है। ए आनंदी, डिलीवरी का एड्रेस? रेड हिल्स के पास एक गोडाउन है उधर। ठीक है चलती है। बाय केसरी। भाई क्या हुआ, मारी को फोन लगा रहे क्या? सबर करना, छोकरी डिच्चू भी तो दे सकती है। नहीं देंगे, मारी के नाम पे कुर्बान हो जाएगी। सही बोला भाई, पहले सप्लायर की कुंडली निकालते हैं ना, फिर मारी तो अपन का जिगरी है ना। इधर नहीं आने का। ए, हवान दे। ए, चले चलना। आने दे रे। लड़की ने झोल कर डाला। डील में मेरे को मारी की कटिंग मिली है। उसने मारी का नाम भी उगल दिया। उसको शानी समझा था पर पचका कर दिया। राग मत दे, तू कौन है ये बता, और मारी को कैसे जानता है? कुछ दिन पहले ही मिला। आपन इस इलाके का नहीं है, केनिया को आपन ड्रग सप्लाई करता है यहाँ से, और केनिया के कुछ लोकल गैंग लोग है इधर जो आपन के रास्ते का रोड़ा बन के अपने धंधे की बाट लगा रहे हैं। लेकिन मारी ने मामला सुलटा डाला, आपन ने सबसे छुपाया था और उस लड़की ने रायता फैला डाला। मारी अपन से पूछे बिना एक मक्खी भी नहीं मारता, और ये पाउडर का धंधा तो वो मरता मर जाएगा पर कभी नहीं करेगा। तेरे से छुपा के वो काम क्यों कर रहे ले आपन को मालूम है? वो तुम लोगों का पक्का दोस्त है, तुम्हारी नजर में बुरा नहीं बनना चाहेगा, पर तुम लोगों को पता नहीं वो बहुत हार्ड व्यापारी है, आता हुआ माल कभी नहीं छोड़ेगा वो। झूठ बोल रहा है तू। अगर इसमें उसका फायदा नहीं होता तो आनंदी से स्मगलिंग काय को कराता वो। पैकेट तो नहीं पड़ी मारा ना, ये तो मारी आप उनको बहुत मारेगा। इसमें जरूर यादव का ही छात होएगा। उसको सब पता है बेड़ो। अबे उस दिन रात को मारी पर हमला करवाने वाला वैश था। ए केसरी, फुर्सत में आ, तेरे को कश्मीरी माल पिलाता हूं।
अरे वो अगली को काम दिया था, वो ठीक तरीके से कर पा रही है कि नहीं? कर पा रही है? अरे उसके सर पे मेरा हाथ है। मेरा हाथ जिसके सर पे होता है उसका बेड़ा घर के होता है। अरे वो वल्लभ है ना? हाँ वल्लभ भिंगाड़े। अपने को देख के चोर माफी भाग के रह ले। वल्लभ क्या कर रहा है बा? अरे मारी अपने फंडर लोग से बात कर रहा था, बस निकल ही रहा है। ये झंडू लोग तेरे फ्रेंड? बैग में क्या? बैग में कुछ नहीं है भाई, बस चार जोड़ी चप्पल रखे। तो थोपड़े का नक्शा क्या को बदला है? इसका बैग चेक कर रहे? हाँ देखते हैं। ये आइला, इसने क्या रम चालू किया लगता है, बोरिक पाउडर लेके घूम रहा है। बोरिक पाउडर नहीं है रे, पाउडर है। मारी देख केसरी से ढक्के रखना वरना अपन को बहुत मारेगा। मैं तेरे को रिक्वेस्ट करता है, चाहिए तो दो पूड़ी तू भी रख ले। यड़ा हो गया क्या? देख मारी अपन का कॉलर छोड़। देख मारी छोकरा हाथ से फिसल गया, काय को गला फाड़ रहा है, मौत का सौदा कर रहा है, पाउडर का धंधा। अरे अपन मरते मर जाएंगे लेकिन कभी पाउडर की डीलिंग नहीं करेंगे बा। केसरी ये अपन को फंसा रहला है। अबे चमाट खाएगा तो। अरे वल्लभ तू बोल। कोकेन का धंधा ये करता है और अपन के नाम का बिल बना रहा है, दोस्ती के नाम पे तेरे को धोखा दे रहा है। ये तेरा लाल पानी निकाल देगा। केसरी ये झूठ बोल रहा है, इसको हम लोग ने माल के साथ रंगिया तो पकड़ा है। उधर बोल रहा था भाई को मत बताना, इधर डबल गेम खेल रहा है। ए अपन कहां से ड्रग्स लाएगा, कौन देगा अपन को ड्रग्स, डीलिंग ये करता है। देख केसरी ये मारी तेरे को। आवाज नीचे मारे। दोगलापन तो तू दिखाया रे। क्या? तू अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और। पाउडर से हाथ रंग लिए तूने। ये क्या है केसरी, झूठिया बोल रहा है तू? मारी पे शक कर रहा है? तेरे को ड्रग्स के चक्कर से इसने नहीं मारी ने निकाला था। सब चाल थी उसकी, पैसे का चस्का, ईमान धर्म सब भुला देता है। मुझे सप्लायर भी पता है। सप्लायर? तूने माल तो नहीं मारा? जब मैंने ऑफर दिया था तब क्यों नहीं किया रे मारी? ए ये सब झूठ है मेरा भाई। झूठ से पर्दा उठाता है अभी। आनंदे आनंदे, किसके फरमान पे किया ये सब? शनि ने अपुन को बोला कि मारी ने करने को बोला है, अपुन सिर्फ डिलीवरी करती है। वो बक्से में क्या है अपुन को नहीं पता। चला ये काम वल्लभ ने मारी को बोला, इसलिए मैंने आनंदी को बोला करने को। हाँ लपेट ले, लपेट ले अपुन को। आनंदी तूने अपुन को वहाँ कभी देखा क्या? बोल। कल मैंने और केसरी ने इसे रंगे हाथों पकड़ा है, ड्रग सप्लाई कर रही थी। तू इधर कोकीन लेके टुन रहता है और इधर मारी तेरी पीछे से मार रहा है और ब्लेम अपुन के ऊपर डाल रहा है। ऐसा नहीं है, अपुन को नहीं पता क्या चल रहा है अपना भाई। ए चुप रह, अब तक अपुन तेरे को दूध की धूली समझ रहा था लेकिन तू भी टोपा निकली। मारी ने बिल्कुल सही टोपी फिट की तेरे को। गटर का ढक्कन बंद कर नहीं तो मैं बुछ लगाऊंगा। ये केसरी का मुंह देख क्या अपन चुप है वरना। ए अपुन को क्या बोल रहा है, तेरे दोस्त ने दोस्ती के नाम पे अपुन की पीठ पे छुरा फूंका है। के बीच में दुश्मनी लगा रहे। माल मारा ना तूने? क्यों, बगैर नशे के मार नहीं सकता तुझे। मार मारना, अभी क्या हो गया, मारना। अभी तेरे से बात करके कोई फायदा नहीं है, तेरा पंखा फास्ट है। शनि पे हाथ उठाएगा ना तो तेरी साढ़े सती शुरू हो जाएगी। गलत पंगा लिया है तूने। हे मारी ये क्या लपाचा हुआ, अपुन को बता ना। दिमाग का उबाल मत कर, निकल यहां से। अपुन का क्या गलती है? बक्से में ड्रग है, ये तूने अपुन को बताया क्यों नहीं? अपुन को क्या पता, तू तो बोला था अपने को वो काम करने को। इसका कोई मिस्टेक नहीं। नेता बन रहा है क्या तू? नहीं वो सॉरी ब्रो। ये अपुन के पीछे पागल है बोल के इसका गलत फायदा उठाया, बोल इसको जाने को। किसी को लव करना गुना है? ए चल बस, हां तू अपुन के लिए मुसीबत है क्या? सच्चे प्यार को लोग ऐसे तरसते हैं जैसे प्यासा पानी को, और तू अपुन के प्यार को लात मार रहा है, मुसीबत बोलता है तू अपने को? हां
अपुन तेरे लिए रात रात भर जाकर प्रे करती है कि गॉड अपुन के बारी को तू सेफ रखना, और तू अपुन से ड्रग डील करवाया, सेंटी कर दिया तू अपुन को, लव कर दिए भाई, खाते पीते उठते बैठते तू ही दिखता है। अपुन तेरे को हॉस्पिटल में लेके गई थी कि तेरे को टिटनेस ना हो जावे, और तू अपने को टिटनेस दे रहा है। तेरे को ना अपुन की कदर वैल्यू है ही नहीं। अपुन के जाने के बाद तू अपनी वैल्यू करेगा। केसरी अभी कुछ भी समझने की हालत में नहीं है, उसके ऊपर नशा हावी हो गया है। और रही बात वल्लभ की, तो उसके गुर्दे में इतना दम नहीं है कि वो पाउडर की डीलिंग कर सके। जरूर उसको हवा देने वाला सिर्फ और सिर्फ यादव ही है। अगर अभी आप उन्हें कुछ किया तो ये लड़ाई गैंगवार में बदल जाएगी। गलत फहमी रिश्तों की बुनियाद को खोखला कर डालती है। तुबरेली, हम एक मुजरा रखवाते हैं, दो जिगरी दोस्तों को जाने दुश्मन बना दिया। सुनो, लोहा बहुत गर्म है, मार दो हथौड़ी, एक है फटका में दी एंड। गरम गरम खाएगा तो हाथ जल जाएगा। हाथ जलेगा चलेगा, बस उसकी जिंदगी का दिया बुझा दो। ये आप उनका प्लान है, तू बीच में टंगड़ी मत अड़ा। बुड़बक कहीं का, हमको उल्लू का पट्टा समझ रखा है, हमसे ऊपर उठने की सोचता है। लड़ियल जी भैया, एक ठो काम कर। हाँ। कानपुर से एक प्रोफेशनल किलर को बुलवा। ठीक है। मारी इस वक्त अकेला होगा, उस पर घात लगाना बहुत आसान है जी। वो और केसरी कल सुबह का सूरज न देख पाए। बिल्कुल। अरे क्या कर रहे हो, बैठो, कहां जाते हैं? बाइक पे। देखना देखना, इसे बोलते घोड़ा। क्या घोड़ा? दो पेटी का है। अरे दो पेटी का मतलब 2 लाख रुपया। देखना बाबा, ए बा देखना। अरे डरती क्यों है रे, ये खुद ब खुद थोड़ी चलेगा। अरे कौन पटाखा फेंक रहा है, जरा देखो जाके, पता करो। हाथ धो गई। इसे बोलते हैं मैगजीन। इसे पिक्चर में नहीं देखने देते। इसको डालते इधर ऐसा रे, और इसको बोलते ट्रिगर। इस पे ऐसे उंगली रखी और तान दिया जिस पे तानना है। ट्रिगर दबा और खेल खलास। समझ गए ना बाबा? अब तो इसे किसी पुलिस वाले से डरना है। मारी ने यादव भैया को टपका डाला, 5-6 ट्रक आदमी भेज दे, आज उसकी तो मैं पुंगी बजाएगा। मारी ने ट्रैक क्या चेंज कर लिया? तुम लोग उसका ट्रैक चेंज करने लगे? केसरी के इलाके में अगर तुम लोग का थोबड़ा दोबारा दिखा, चीर डालूंगा। वो सारा माल जला के चला गया, कहां मर गए थे तुम लोग? बेवड़ा मार के सोए थे क्या? करोड़ों का नुकसान करवा दिया, अब पैसा कौन देगा तुम्हारा? ड्रग्स के साथ इसको भी जला डालो। केसरी को फोन कर, बोल मारी ने गोडाउन जला दिया और उसी अग्नि में उसके भाई का दाह संस्कार भी कर दिया। भाई, मारी ने वल्लभ को मार डाला।
हाय डार्लिंग। रात में ऑटो मत चलाया कर, चल घर छोड़ देता हूँ। अपुन घर का रास्ता जानती है, ये झूठे प्यार का नाटक ना अपुन को मत दिखा। अपुन का प्यार तो प्रॉब्लम है ना। बराबर बोलिए, प्यार का दूसरा नाम ही प्रॉब्लम है। प्यार का फूल कौन से बागीचे में खिलता है ये अपन को मालूम ही नहीं है। ए, खाना खाया क्या तूने? बोलना, गुस्सा हो गई क्या तू? अरे नहीं खाया तो चलना। अबे एक गधे की औलाद, अभी जाने का था तेरे को। पहली बार इसके मुंह से शहद टपक रही थी, तूने सब गुड़ गोबर कर दिया। ए, अपन का वो मतलब नहीं था। अयो अयो, कचरा कर डाला। अबे मनुष की छठी औलाद, घर जाके सो जा। ए, तू घर जा। ए, कौन भेज रहे तेरे को? कौन इतना मोहब्बत कर दिया अपन से? तू गलती मार, अपन ये लोग को जन्नत दिखाता है, निकल। ए, बत्ती जला। छोड़, अपुन को छोड़, हाथ लगाएगा ना तो मार डालेगी। जिन लोगों ने इसको छुआ वो इधर ही रुको, बाकी गधे के सिंह की तरह गायब हो जाओ। यही था वो मारे, आज तो तू गया बेटा। तुम लोग अपुन को मार रहे हो? केसरी को पता चलो। केसरी नहीं मारने भेजा है, बस आज तीन के सांप को कचल डालो। बहुत सही दोस्ती निभाया बेटा तुम लोगों ने। तुझे भी टपकाऊंगा, इतने इंतजार के बाद किसी और के हाथ से कैसे मरेगा तू?
तुझे मारने का हक सिर्फ अपुन को है। मारने से पहले तुझे मारने की वजह बताऊंगा। अपुन को जानता है, तूने अपुन की फैमिली को बहुत दुख दिए। जो दर्द तूने अपुन को दिए वही दर्द लौटाऊंगा तुझे। अपुन ने अपनी प्रार्थना में भगवान से सिर्फ एक ही चीज मांगी कि अपुन ही तेरा विकेट गिराए। आज तेरे दोस्त तेरे दुश्मन बन गए ले, तबलीग हो रही है ना। अब उनके पप्पा को मरे 25 साल हो गए ले, उनको मैसेज दे देना कि आपन मजे में है। खास हो तो हिलता है बेबी। काइको तेरे को बहुत लगी है रे, तेरे को हॉस्पिटल ले चलो क्या मारे। ओके, साथ में तू भी मर। खुशखबरी दे, मारी टपक गया ना। हेलो, कैसा है रे भाई? बहुत अच्छी दोस्ती निभाई है तूने। शेर की खाल में भेड़िया निकला। खुश रहना मेरे भाई, चलता है अपन। हिम्मत मत हार केसरी, तेरे को परिवार भी पालना है। आपुन तेरे साथ है, जब भी आपुन की जरूरत हो तो अपने पास आ जाना। चल हाथ मिला। अरे भाई, उससे हाथ क्यों मिलाया? उसको मार के खुद बॉस बन जाना। धंधे में इसकी जरूरत पड़ेगी, धंधा फैलते ही इसको फैला देंगे। सही है। मारी के एरिया के एसआई से मुझे कुछ बात करनी है, उसे बुलाओ। ओके मैम। पुलिस गैंगस्टर मारी के हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है। शहर की नई कलेक्टर ने शहर से गैंगस्टर्स का सफाया करने का भरोसा दिलाया है। कलेक्टर विजया की शहर के कानून व्यवस्था पे कड़ी नजर। जॉइंट सेक्रेटरी विजय ने बनाई स्पेशल टास्क फोर्स। इलेक्शन के समय गुंडागर्दी को रोकने के लिए विजया ने उठाए कड़े कदम। मैडम, आपने असेंबली इलेक्शंस कैंडिडेट का बैकग्राउंड डिटेल्स चेक करने के लिए कहा था। हम लोगों ने 547 का चेक कर लिया है। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स? 80% कैंडिडेट का कोई ना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है। 20% तो साफ है। फॉर्मर एमएलए और एमपी को छोड़कर कितने होंगे? 46 मैडम। और फर्स्ट टाइम नॉमिनीज कितने हैं? 5 मेंबर्स। तिंडवरम वेस्ट से वेदराज, त्रिची ईस्ट से हसमनी, थाउजेंड लाइट्स से गंगाधर बीजा। एक सेकंड रुकना, आखिरी नाम क्या लिया तुमने? थाउजेंड लाइट्स से गंगाधर बीजा। मैडम, वो एक जाना माना गैंगस्टर है। तनातूस। गुनाहों की एक लंबी लिस्ट है उसकी। जेल में रहने के बावजूद न जाने उसने कितने कत्ल किए हैं। और तो और, एक दिन पुलिस वालों को मारकर वहां से फरार हो गया। जेल में एक गैंग ने उसे टॉर्चर किया था और उसके बाद वो एक वहशी दरिंदा बन गया। खून खराबे में उसे मजा आने लगा। धीरे धीरे ड्रग्स के बिजनेस में अपना साम्राज्य खड़ा किया और देखते ही देखते अरबोपति बन गया। और अब अपने काले कारनामों को साफ करने के लिए, उनके दाग धोने के लिए पॉलिटिक्स में एंटर करना चाहता है, ताकि अपने गुनाहों की फाइल बंद कर सके। और इस साल थाउजेंड लाइट्स कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ रहा है। ये सफेद कपड़ों में छुपा एक काला नाग है, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, तबाही और बर्बादी। और हमारी पार्टी के नए उम्मीदवार कौन है पता है? केसरी भिंगारडे, स्वागत कीजिए। हे बीजा, कुर्सी के लिए अपनी तशरीफ फड़फड़ा रही है,
तेरे से ज्यादा अपुन की, बोले तो अपुन को इलेक्शन लड़ने का है। पर लिस्ट में तेरा नहीं अपुन का नाम है। सब पता है रे, इसीलिए तो तेरे को कह रहा हूँ, अब तेरी टिकट अपुन को दे दे, तू हारने वाला है। ज्यादा उड़ मत, पर काट दूंगा। ए, तुझे लीडर अपुन ने बनाया, वो कहावत है ना, वक्त पे गधे को बाप बना लो, तू गधा है रे। तो वो टिश्यू है जिसका मैंने इस्तेमाल किया, अब बस फ्लश करना बाकी है। मैं टिश्यू नहीं कैक्टस हूँ, जितना घासेगा ना उतना ही खून निकलेगा। ओ सब मत कीजिए पीछे। एक सेकंड चाचा, बात करने दो। ए, तेरा नसीब बहुत सुनहरा है, इलेक्शन का टाइम नहीं होता ना तो यहीं पे खर्चा कर देता तेरे को। चल निकल अबे। हाय पा। अरे आजा आजा, तू तो आता नहीं, सोचा अपुन मिलने चला है। बैठ बैठ, अपना ही घर समझ। वल्लभ को अपुन ने ही टपकाया और उसका टोकरा मारी को पहना दिया। बहुत तपलीक से मरा था वो, और ये बेचारी गुड़िया तो रोएगी भी नहीं। कॉन्ग्रेचुलेशंस बीजा, जरा एक मिनट कुछ बताना है। हा? पिछले महीने तुम्हारे 3 आदमी पकड़े गए हैं। अगर उन्होंने मुंह खोल दिया तो वक्त पे सही इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो पुलिस को एक्शन लेने में देर नहीं लगती। जैसा कि आपने देखा कि हमने एक नहीं बल्कि बहुत सारे गुंडों और गैंग के लीडर्स को अरेस्ट कर लिया। देखो, मुझे लगता है यहाँ कोई तो है जो पुलिस का इन्फॉर्मर है। मतलब खबरी सच बोल रहा है ना वर्दी? अरे बात एकदम पक्की है, वो कौन है और यहाँ कब से काम कर रहा है ये नहीं जानता मैं, लेकिन है तुम्हारे गैंग का आदमी। सुन, उसे ढूंढ, आतंकवादी बना और शूट कर दे। अरे आज तक उसे किसी ने नहीं देखा, उसका सीधे कमिश्नर से कॉन्टेक्ट है। अपने गैंग मेंबर्स में टटोल छुपा रुस्तम सामने आ जाएगा, जल्दी पता लगा, इसी में तेरी भलाई है। कई गैंगस्टर्स पहले ही ससुराल पहुंच चुके हैं, कौन जाने अगला नंबर तेरा ही हो। सर, गंगाधर बीजा को इलेक्शन लड़ने नहीं दे सकते, वो एक जाना माना क्रिमिनल है। आपको पता ही होगा, आज से 10 साल पहले 2 जेलर्स को मार के फरार हो गया था। ये देखिए उसकी फाइल। बीजा ने कई खून किए हैं, तनाटोस और बीजा एक ही इंसान है। कोई सबूत भी है तुम्हारे पास? एक विटनेस था, पर अब वो कहाँ है ये कोई नहीं जानता। जहाँ तक मुझे पता है, आपका एक खबरी उसके गैंग में शामिल है। उसकी मदद से हम सबूत इकट्ठे करके बीजा के खिलाफ एक मजबूत केस बना सकते हैं। सर प्लीज टेक योर सीट। इन्फॉर्मर की सेफ्टी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही रिस्की जॉब है और बीजा जरूरत से ज्यादा चालाक है। हम दूसरे तरीके ट्राई कर सकते हैं, उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत इकट्ठा करो, मिल जाए तो उसे फौरन अरेस्ट कर लेंगे, ये कमिश्नर की जबान है। दुनिया को सुधारने के लिए पहले खुद बिगड़ना पड़ता है मैडम। 8 साल से मारी मिसिंग है मैडम, उसके दुश्मन उसको डॉगी की तरह ढूंढ रहे हैं, पुलिस भी उसको ढूंढने की फुल ट्राई कर रही है। बीजा तो उसको जान से मारना चाहता था मैडम, लेकिन फेल हो गया। आज तक अपना वार कभी खाली नहीं गया। लाइफ में फर्स्ट टाइम पापुन से गलती हुआ, सुधार भी आपुन ही करेगा। हम लोगों ने उन्हें ढूंढना बंद कर दिया है। मारी जिंदा है भी या नहीं हमें नहीं पता मैडम, ना उन्हें कभी किसी ने देखा और ना उनके बारे में कभी सुना। 8 साल पहले बीजा ने उसे मारने की कोशिश की थी, उसी दिन उसी जगह 4 और लोग मारे गए थे। मारी एक लौता विटनेस है, इस केस को रीओपन करना होगा। छोटा सा भी सुराग मिले तो सीधे मुझे रिपोर्ट करो, मुझे मारी चाहिए। पहले रहता था, अभी मालूम नहीं। एक लड़की थी जो मारी के पीछे पागल थी, नाम क्या था? आनंदी मैडम, उस दिन से वो भी नहीं दिखाई दी। उसकी फोटो मिल सकती है? मारी और आनंदी की फोटो सब जगह सर्कुलेट करो। ओके मैम। मीडिया, सोशल मीडिया, चैनल्स, पोस्टर्स, पुलिस स्टेशन, हर जगह वही दिखने चाहिए। पूरे स्टेट में दोनों की फोटो लगा दी है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। इससे एक ही चीज साबित होती है, मारी मर चुका है। हेलो। आप उनके काम में हाथ बटाने के लिए थैंक्स। क्या आज पहली बार पुलिस गुंडे की मदद कर रही है, उसके लिए आप उन फूल भेजेगा? मारी को सालों से ढूंढ रहा हूँ मैं। उसके लिए वैष्णो देवी जाके मन्नत मांगी,
कि वो आप उनकी गोली से मरे और भगवान से आप उनका याराना है। मम्मी तुम ऑटो से क्यों आई? मैं कार भिजवा देती ना। अरे कोई बात नहीं, कोई जरूरत नहीं थी। अच्छा सुन, वो ऑटो ड्राइवर है ना, तुझसे मिलना चाहता है, कोई जरूरी काम है। हर आदमी यही कहता है, तुम जाकर सो जाओ। एक बार जाकर बात तो कर ले। क्या नाम बताया था? मारी, ऐसा ही कुछ था। मैडम ये जो हर जगह फोटो लगा है ना वो निकाल डालो, क्योंकि अभी अपन को पब्लिसिटी का कोई शौक नहीं है। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड जिंदगी अपन जी रहा है, ये अपन का गुजारिश है। मुझे अच्छी तरह से पता था कि मिलने के बाद तुम यही कहोगे, लेकिन धमकी के अंदाज में इतनी नरमी से पेश आओगे ये नहीं सोचा था। बुलेट लगने की वजह से इसकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से डैमेज हो गई है, जिसकी वजह से इसे पैरालाइज हो गया है। अब ये दोबारा कभी चल नहीं पाएगी, ख्याल रखिएगा। मारी, आप उनके किए पाप को भगवान ने तेरे से धुलवाया। काहे को बचाया अपने को? नहीं बचाने का था तो तू मेरे को काहे को बचाया? जिंदगी भर अपने टोपे टपारे किए, लाइफ में फर्स्ट टाइम कुछ अच्छा करना चाहो तो गलत हुआ। जिस लड़की को तूने बचाया था वो मेरी बहन थी। छोड़ मेरा हाथ। लड़की की इज्जत पे हाथ डालता है तेरी जान का? तू तो गया। तुम जैसे जानवरों की वजह से ही महिलाएं सुरक्षित नहीं है। निकल रहे। तभी सेज तो अपने दिल में कुंडली मार के बैठ गया। अपुन तेरे को बहुत चाहती है यार, तेरे पीछे दौड़ती थी, अब कैसे दौड़ेगी? अपन यहां से बहुत दूर चले जाएंगे। कभी ख्वाब में भी अपन ने सोचा नहीं था कि अपन शादी बनाएगा, पर आनंदी ने अपन की दुनिया इच बदल डाली। बस रोक रहे माउशी। हाँ? सुना है कि आप लोग घर भाड़े पे दे रहे? सही सुना, एजेंट को कहा हुआ था। ए लक्ष्मी जानू, इन लोगों को अपने राजमहल का ऊपर का हिस्सा दिखा कर आओ। पिज्जा बर्गर खाना बंद कर दे, तेरा वजन आटे के बोरी जितना हो गया है। चल चुप। मौसी नीचे वाला कमरा मिल सकता है तो हम बुड्ढे बुड्ढी कहाँ रहेंगे? जानू में उनका टाइम अभी तक आया नहीं है। इसे लेकर ऊपर चढ़ने में कोई तकलीफ तो नहीं होगी? लिफ्ट लगवा दो ना। क्या मतलब लिफ्ट? वो सब यहाँ नहीं होता। अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपन का एक ही लिफ्ट है। मारी लगता है नया नया इश्क है। मैन लगता है बुड्ढा बुड्ढी रोमांटिक है। हेलो आंटी को तो बख्श दे ब्रो। चाहो तो कल शिफ्ट कर सकते हो। नमस्ते। कमरे दुल्हन आ रही है, गृह प्रवेश के लिए दरवाजा खोलो फट फट। अहिला ये तो लॉक है। मारी क्या लगता है बूढ़ा बूढ़ी हनीमून पे भाग गए? एक काम कर, पिछू से सीढ़ी लगा के अंदर जाके दरवाजा खोल। दरवाजा तोड़ने का इरादा है क्या? हाँ आपकी जितना दम नहीं, हम दोनों ऊपर शिफ्ट हो गए हैं। सही तुम है। लोग नीचे रह सकते हो, आप तो लिफ्ट की जरूरत नहीं होगी। नहीं नहीं थैंक यू। लेकिन आपको तकलीफ होगी ना चीचा? कोई तकलीफ नहीं होगी, तुम लोग यहाँ आराम से रह सकते हो। कचरा फंस गया इसमें। ए पहलवान तुमसे कह रहा हूँ, पानी का एक जार ऊपर ले आ। रॉबर्ट शादी के बाद पब्लिक के साथ ऐसे ही होता क्या? अरे ए भाई सुधर गया, फोटो ले। मारी बोला अपनी इज्जत का फालूदा मत कर घर का काम करके। तुम लोग झाड़ू बीड़ू मार देना, जाओ पत्नी व्रता बन रहे ना। मैन बहुत खुश लिया ना, ये ले लुंगी संभाल के। मैंने उड़ता हुआ तीर ले लिया। और ले
ये ले। अरे बस बस। अरे निकम्मो, यहाँ गर्मी में तुम लोग काले क्यों हो रहे हो? जाके जरा कश्मीर में घूम के आओ, गोरे गोरे गुलाबी और चिकने हो जाओगे। कलर का मजाक उड़ा रही है आंटी भी ना। भगाने का ट्राई मत करो, मारी के लिए ना दोस्त लोग पहला है, बीवी तो कल ही आई लिए। शादी भी हम लोगों ने कराई है। ये पैसा पकड़ो। ये क्या है ब्रो? इधर से 500 किलोमीटर दूर चले जाना और दो महीने से पहले अपना शक्ल मत दिखाना। चलो वट लो, घूमने चले। अच्छा क्वार्टर लेके फुल झूमते चल ब्रो। ऐसा लग रहा है कि कोई ट्रेन में से अपन को छोड़ के उतर गया। इतना सेंटी क्यों रह रहे मेंटल? अंकल ये 45 का हो गया है, शादी के लिए कोई लड़की बताओ ना। हो जाएगी रे, विधवा, तलाकशुदा, भागी हुई, कोई भी चलेगी। चल चल चले, काली जुबान बंद कर। भरी बस में जैसे लोग टच करते ना तू वैसे ही कर रहा है। ए अपन को इससे अच्छा नहीं आता। चल ठीक है चलेगा अपन को। अपन में तेरे को क्या अच्छा लगता है? इतना सोच रहा है तू? रुक रे। यानी तेरे को कुछ नहीं पसंद? अरे रुकना, सोचने देना। तेरी मुस्कान बहुत अच्छी है। हाँ उसे भी तो अपन लट्टू हो गया। हाँ तू अगरबत्ती की तरह सुगंधित और मोमबत्ती की तरह ब्राइट है। मोमबत्ती अगरबत्ती? तू नारियल तो नहीं फोड़ेगा ना? तेरे को देख के अपन का चिराग जलता है। बहुत देर से जला है रे तू। वो क्या है, तेरा जो प्यार था ना वो नासिक ढोल की तरह था और अपन का बांसुरी के माफिक। तेरी कसम। चूरन काय को दे रेला है? पहले काय को नहीं बोला? हम गुंडे माहौलियों की जिंदगी 502 पता का बीड़ी की तरह होती है, पता नहीं कब बुझ जाए। आज अपन लोग का वैलेंटाइन डे, तू ये सब क्या बकवास की बातें कर रहा है? मेरे को अपनी पहली जिंदगी के बारे में बताना। बातें बहुत हो गई, अभी गुफ्तगु करें क्या? ए, इसको ऐसे घुमाओ और फिर हाँ ऐसे। अबे चक्के देखना। अरे अपुन की आंख में कुछ गया। चला अपन तेरे को घर दिखा दे। तेरे बाल तो बिल्ली माफी है। इसमें काजू बादाम का तेल लगा दिए क्या? बारिश का मजा लेना है क्या? पीपल का पत्ता भी डालना है। अरे क्या कर रहा है? ला मैं करती हूँ। कच्चा खाएगा क्या? अरे फोटो में शैडो नहीं मांगता है। तू भी निकल। अभी चल हट मोटू कहीं का। देखना लात मार रहा है या शायद मार रही है। तू सच में खुशखबरी से खुश है ना? भाई को नहीं होएगा। आप उनकी इतनी खूबसूरत हिरनी एक शेर बब्बर को जन्म जो देने वाली है। और लड़की हुई तो? अगर लड़की होएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार फिर से ट्राई मार लेंगे। सुनना अपन को कुछ बोलने का है तेरे को। ऐसा लगता है अपन की लाइफ सेट है। अपन तेरे को एक ज्ञान देती है। अपने फायदे के लिए ना किसी निर्दोष को मारना मत। हाथ सिर्फ उधर ही उठाना जहाँ पर किसी ने कुछ गलत किया हो। किसी भले इंसान को मत मारना। इतनी अच्छी बातें इंसान के दिमाग में तभी जाती है जब वो बेवड़ा मारता है।
लेकिन तू तो पीती नहीं है तो फिर इतनी अच्छी बातें कैसे कर लेती है? अबे तेरे को पता नहीं है मेरे पास दो दिमाग है। वही तो मैं सोचू कि रिक्शा वाली का दिमाग इतना अच्छे से कैसे। क्या हुआ आनंदी, क्या हुआ? अपन को दर्द हो रहा है। क्या हो गया? आपको बेटा हुआ है, बहुत हेल्दी है, लेकिन आनंदी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं थी, तो डिलीवरी के दौरान क्लियर बोलो ना, थोड़ी कॉम्प्लिकेशन हो गई। हमने पूरी कोशिश की पर तुम झूठ बोल रही हो ना? सॉरी। काश अपन जिंदगी भर अकेला ही रहता, गई को आई अपन की जिंदगी में, और आई तो गई क्यों? अपन को एक नए जीवन का तोहफा देके तू खुद ही बेजान हो गई। कैसे जिएगा अपन? मेरे से प्यार करती है ना, तो उठाना इसको, बोलना इसको उठने के लिए। काय को किया तूने ऐसा? तेरे को माफ नहीं करेगा अपन कभी। एक जिंदा लाश बन गया अपन तेरे बिना। मरती है तेरे पे, तेरे को कुछ होने नहीं देगी। के बाद भी वो अभी तक अपन के साथ ही है, जाते जाते भी अपन को वो जीना सिखा के गई। I'm sorry, आनंदी नहीं रही ये मैं नहीं जानती थी, मैंने सोचा था कि उसे ढूंढकर हम तुम तक पहुंच जाएंगे। आनंदी चाहती थी कि अपन के बेटे पे कभी किसी की कोई बुरी परछाई ना पड़े, इसलिए अपन आना नहीं चाहता था। बहुत प्यार करते हो उससे। नाम क्या है? काली। अच्छे से बुरी तरह नीला, नहीं तो अपनी तरह गंदा बनेगा। ये घस घस के नहला मैन, अच्छे से। या मैन, अपने बच्चा को चुप नहीं करा सकता। या मैन, मुझे दो। ये चुप ही नहीं हो रहा है। चंदा मामा दू, अपन भी तो यही कर रहे थे ना। मौसी के पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है। ऐसा क्या? आंटी प्रोफेशनल लोरी सिंगर लगती है मैन। हो गया हमारी फैमिली वाला हो गया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है मैडम। तो काली अपनी माँ पे गया है या तुम पे? कोहिनूर का टुकड़ा है वो। है छोटा पर उसकी हरकतें बहुत बड़ी है। पांचवी कक्षा में है और दसवीं के बच्चों के साथ घूमता है। अरे 30 साल से मैं टीचर ही कर रहा हूँ लेकिन ऐसा बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा।
बचपन में हमने भी पटाखे फोड़े हैं डॉगी की धूम में बांध के, लेकिन तुम्हारा बेटा ए इधर आ। आज तो मैं तेरी अरे बेहोश मारने से पहले ही अरे अरे मेरा डंडा ला, मेरा डंडा ला। ए क्लास का टाइम हो गया, चला जा। ए क्या है बे? हाँ मिस्टर मारियप्पन, आप बहुत सीधे और भोले इंसान हैं। ये बच्चा इतना नखट कैसे है? इसे अपने जैसा बनाइए। भगवत गीता जानते हैं ना? अपन जानता है, कोर्ट में उस पे हाथ रख के कसम खिलाते ना, अपन ने खाया है। इस पर ध्यान देंगे तो ये सुधर जाएगा, आप ही की तरह नेक इंसान बनेगा। ठीक है साहब, बेस्ट ऑफ लक। ए काली, अपन को ये बता, तू हर बात पे गुस्सा काहे को होता है? हर बात पे नहीं होता तो फिर? कभी कभी ईगो हट हो जाता है तो कंट्रोल ही नहीं कर पाता। अच्छा, तेरी माँ जो हमेशा अपन को बोलती थी ना, वो आज अपन तेरे को बोलता है, अपने स्वार्थ और खुशी के लिए जिंदगी में कभी किसी को तकलीफ नहीं देने का, हाथ उधर ही जुटाने का, जहाँ किसी ने कुछ गलत किया हो सही आदमी को मारने का नहीं। समझा ना? थोड़ा थोड़ा। चल ठीक है, धीरे धीरे पूरा समझ जाएगा। हमारे स्कूल की तरफ से ना एक स्टेट लेवल की रेस होने वाली है, मैं भी हिस्सा लूं? सही है बिडू, ले लेना। उसके लिए कुम्हारवाड़ा जाना पड़ेगा। कुम्हारवाड़ा? बच्चे की खुशी के लिए अपन को वापस आना ही पड़ा। कोई इतना बदल सकता है ये मैं सोच भी नहीं सकती। एक औरत चाहे तो किसी को भी बदल सकती है, किसी ने सच ही कहा है। अपन अपनी जिंदगी में बहुत खुश है मैडम, अभी अपन का जिंदगी में दुख का चिंगारी मत लगाइए, अपन का रिक्वेस्ट है। अपन गवाही देने कोर्ट में नहीं आ सकता मैडम, केसरी और बीजा से अपन जिंदगी में कभी सामना नहीं करेगा। पहले तुम्हारे पास जीने का मकसद नहीं था, लेकिन अब है, तुम्हारा बेटा, और उसे एक ऐसे माहौल की जरूरत है जहाँ उस पर बीजा और केसरी जैसे लोगों की परछाई भी ना पड़े। सोसाइटी से गंदगी साफ करना आपका काम है, अपन हेल्प नहीं करेगा। अपन की जिम्मेदारी है अपने बेटे की अच्छे से परवरिश करना, और वो अपन बहुत ही अच्छे से कर रहा है। चलता है मैडम। ए, इसके साथ जा। ये ऐसा भागने का कि सबको पीछे छोड़ देने का। मेरी ट्रेनिंग काम में आई ना। ए, जा रहे, पेट पानी का बंदोबस्त कर। ले क्या जा रहे? थोड़ी देर में फाइनल राउंड होने वाला है, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा ना बापू। वैसे तेरे को क्या लगता है? क्या पता। पानी पी, पानी पी। रेस हार भी गया तो कोई गम नहीं है, समझा ना? हाल है मारी बचवा। सबको मारा, अपन को कहकर छोड़ा। तुझे भी टपकाऊंगा, इतने इंतजार के बाद किसी और के हाथ से कैसे मरेगा तू? तुझे मारने का हक सिर्फ आपुन को है। तूने आपुन की फैमिली को बहुत दुख दिए। आपुन ने अपनी प्रार्थना में भगवान से सिर्फ एक ही चीज मांगी कि आपुन ही तेरा विकेट गिराए। मारी, बहुत दिन के बाद दर्शन दे ले, कुछ ले नहीं रहे हो का? क्या साफ सुन गया क्या? तेरा कैलेंडर है, कब छापा? एकदम तेरा जेरोक्स कॉपी लग रहे ले। जयराम जी की, बीजा उर्फ बिरजू। हाय अंकल। तुम्हारे पापा का बढ़िया दोस्त। काली, तेरे को रेस जीतने का है ना, तो जा पहले जाके प्रैक्टिस कर ले। ए मारी, काली से अपन दोस्ती कर रहे ले। अंकल, आप मेरे पापा को कब से जानते हो? हम लोग बहुत पुराने दोस्त है, शायद तू पैदा भी नहीं हुआ रहेगा। 8 साल हो गए तेरे पापा को ढूंढते हुए। दीदार आज दिया, हम लोग ले बार दे बार खेल रहे थे तभी हमारा झगड़ा हो गया। आज उस झगड़े को सुलटाएंगे। अब कौन सही है इसका फैसला तुम करोगे। अच्छा बताओ, जानवर वाला चैनल देखा है?
जिसमें शेर हिरन का शिकार करता है, देखा है? हाँ, देखा है, देखा है। तो ये बताओ, हिरन को शेर मारते हुए देखा है कि हिरन शेर को दौड़ा रहा और शेर डर के भाग रहा? ऐसा नहीं हो सकता। सुना मारी, तेरा बेटा बहुत हार्ड है, अब शेर दहाड़ेगा नहीं तो क्या म्याओ म्याओ करेगा? पर अंकल, आपसे एक घोची हो गई है। क्या? शिकार करने से पहले शेर धाड़ता नहीं है, वो कब किस पर अटैक करेगा ये तो शेर को भी नहीं पता होता। वायलेंट होने से पहले शेर हमेशा एक कूल कैट की तरह साइलेंट रहता है, साइलेंट। ये अंदर की बात है अंकल, आपके भेजे में नहीं घुसेगी। बेटा, रास्ते में चाहे कितने भी कुत्ते क्यों ना भोंके, हाथी की चाल चलने का क्या? सही है ना बीजा? नहीं मारी, बच्चे को टुनटुना मिल जाए तो वो रोना बंद कर देता है, लेकिन जैसे ही कोई उसका टुनटुना छीन ले तो वो तिलमिला उठता है। बिल्कुल उसी तरह से अगर आपुन ने तेरा टुनटुना तुझसे छीन लिया तो तू कैसे छटपटाएगा? ए, चल जा, तेरे रेस का टाइम हो गया, जा। क्या चाहिए तेरे को? मारी, आपने जितनी देर यहाँ बात की ना, उतनी देर में तो तुम बाप बेटों को 10 बार मार चुका होता। तुझे अंदाजा भी नहीं है कि तुझे चूहे की जैसा डरा और सहमा देखकर अपन को इतनी खुशी मिल रही है जितनी तेरी डेड बॉडी को देखकर नहीं मिलती। चल, आपन तेरे को एक आखिरी मौका दे रहा है। अगर तेरे अंदर गुदा है और तेरे गुदे के अंदर जान है तो अपने बेटे और अखा पब्लिक के सामने आप उनको ठोक डाल। वन टाइम ऑफर, 5 तक गिनूंगा। चल, मौत का जुआ खेलते हैं। 1, 2, 3, 4 आज के बाद तू और तेरा बेटा डर के साए में रहकर मौत का इंतजार करेंगे। तुझे डरा डरा के मारूंगा। मौत के बादल छा गए हैं, कब मौत की तूफानी बारिश होगी पता भी नहीं चलेगा। भाई, इलेक्शन चल रहा है, लफड़ा गायबू। हाँ भाई, आप पहले से ही कमिश्नर और विजय के टारगेट पे हैं, गड़बड़ हो जाएगी। जानता हूँ रे, इलेक्शन तक तो ये डर से तड़पते रहेंगे, इनकी मैयत पर अपनी जीत का जश्न होगा। पापा, किसी को ढूंढ रहे हो क्या? इधर टाइम काहे को लगा? अरे टीचर होमवर्क दे रही थी ना। घर जाते समय देती है, पहले नहीं दे सकती क्या? गुड जॉब, बाकी कल बात करते हैं। सर, कुछ बात करनी थी। यस प्लीज। बीजा के ड्रग स्मगलिंग केस में कुछ स्ट्रॉन्ग विटनेस मिले हैं। कोर्ट ने केस फास्ट ट्रैक पर रखा है, अगली हियरिंग 2 दिन के बाद होगी। आज हम समन भेजेंगे, हो सकता है उसकी पार्टी के गुंडे कोर्ट में हंगामा करने की कोशिश करें। सिक्योरिटी टाइट रखना। ओके मैडम, वैसे विटनेस कौन है? ये सब कॉन्फिडेंशियल है सर। तुम्हें कोई आइडिया है? सर, आप तो सीनियर है, आपको नहीं पता तो मुझे कैसे होगा? बीजा की गैंग में कमिश्नर का एक खबरी है, वैसे ही जैसे हमारे डिपार्टमेंट में उनका एक खबरी है। आपको पता है ना? नो, सर, ये मेरे को कैसे पता होगा? तो पता लगाइए सर, पावर का इस्तेमाल कीजिए। ओके मैडम, ट्राई करूंगा। ले बेटा, सीधा क्लास में जा। हां, अपनी नई मिस तो एकदम आउट ऑफ फॉर्म बना। ये सब करने आते हो स्कूल में? हां, तुम्हारे माँ बाप ने ये सब सिखाया है? शर्म नहीं आती ऐसा बोलते हुए? चिंगारी लगती है, चिंगारी।
ए रुक बे, क्या रे हमारी कंप्लेंट करता है, पता है मेरा बाप कौन है? ए इसे खोपचे में लेकर चल बेटा, कोने में आ। ए रुक 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 रुक। बनने की प्रैक्टिस कर रहा है घर, चल बताता हूँ। अपना एक ही उसूल है, जुर्म करने का नहीं और जुर्म सहने का नहीं। सारा गलती तो तेरा है ना, तूने प्रिंसिपल को कंप्लेंट काहे को किया? मम्मी की बात भूल गए क्या? अपनी खुशी के लिए किसी को दुख नहीं देना चाहिए। किसी का दिल तोड़ना मंदिर मस्जिद तोड़ने से भी बड़ा पाप होता है, और आज तो दोनों बातें हो गई। वो टीचर को तंग कर रहे थे और ये जुर्म देख कर मेरे अंदर का इंसान जाग गया। ये सब होता रहता और मैं चुपचाप बैठा रहता क्या? किसी को तो जुर्म के खिलाफ आवाज उठानी होगी ना। गलत और सही का फैसला मैंने खुद कर लिया। सॉरी बापू। ता बड़ा देख कितना गहरा चोट लगा, कैसे फुल साइज आदमी ने मारा? नहीं एक हाफ साइज बच्चे ने। अयो गधे, अपने बाप का नाम तो सांबर में मिला दिया। अरे जा उस पिल्ला को ले गया, जा अभी लाता हूँ। मैन वो घास वाला सेठ बुला रहे ला। अब क्या करिए? ठीक है अपुन जाता है। तुम्हारे खिलाफ केस रजिस्टर हो चुका है विजय। कौन है? जॉइंट सेक्रेटरी विजय। समन जारी हो चुके हैं और इतना ही नहीं, एक विटनेस स्टेटमेंट देने को भी तैयार है। सबसे बड़ी बात, तुम्हारी गैंग में एक इन्फॉर्मर है। आस्तीन में सांप होना कोई बड़ी बात नहीं है। फोन मरोड़ दे डसने से पहले। मैं पता लगा लूंगा, थोड़ा टाइम दो। केसरी को फोन लगा, वार्तालाप करनी है। ए हिसाब में गड़बड़ हुआ, मैं तुझे गड़बड़ कर देगा। हाँ अब खुद चेक कर लीजिए। ठीक है दो चाय बोल। अच्छा तू बाप है, औलाद किधर है? वो नहीं आया। तेरा पिल्ला ने मेरे बेटे को डॉगी की तरह दोया, काय को? साहब जी अपुन ने अपने बेटे से बात की, सारा गलती आपके बेटे का है। इतने छोटे होके टीचर को छेड़ना बोले तो ये अच्छा नहीं लगता है ना, और ये उम्र तो पढ़ने लिखने का होता है ना साहब। आप उसको अच्छा संस्कार देगा तो आपका ही नाम रोशन होएगा ना। अपने बेटे की तरफ से अपन माफी मांगते हैं साहब। तेरा भेजा खनक गया जो तू अपन को मारने चला है। दिल तो किया उसी दिन तेरे को चीर दूं जिस दिन अपनी बच्ची पे तूने घोड़ा लगाया। ये तेरा बोनस टाइम चल रहा है। शाक जब बच्चों को जन्म देती है तो बहुत खुश होती है, पर वो ये नहीं जानती कि बड़ी होकर एक दिन वो उसी को अपनी भूख मिटाने के लिए उसे निवाला बना लेगी। इसलिए पहली ही फुर्सत में उसके जबड़े को चीर डालेगा। कर्मा है बेटा, खरबूज बोएगा तो तरबूज नहीं निकलेगा। अब ये दोस्ती दुश्मनी की बातें छोड़, तेरे जैसा दोगला आदमी बात करने लायक भी नहीं है। आप उन्हें बचपन से ही दो मुंह वाले सांप को दूध पिलाया है। शिकार अगर एक मुंह वाले से बच जाए तो दूसरा शिकार को लपेट ले, और तू लपेटे में आ गया है। भाई मारी का पता चल गया है, बोलो क्या करने का है? अपने 10-12 फंडरों को लेकर जा, आप उनके केस के बाद उसका केस क्लोज कर डालेंगे। अरे भाई 10 आदमी क्यों चाहिए? कछुए के माफिक सूख के काटा हो गया है। आज घास वाले के साथ लफड़ा हुआ ना तो उसके पैर में गिर के माफी मांग रहा था वो। पता किया? अरे सब जगह छानबीन कर डाली, मारा और धमकाया भी, पुलिस डिपार्टमेंट में सबको टटोल लिया। उसका कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन मैं उसे ढूंढ लूंगा। हाँ तो कब ढूंढेगा उसे? जब वो कोर्ट पहुंच जाएगा। कोर्ट पहुंचने के पहले ही उसका पोस्टमार्टम कर डाल, ठीक है भाई? वरना तेरी फैमिली को कोई नहीं बचा सकता। जी भाई।
पबजी मत खेलते बैठ जाना, जैसे ही देखे उसको रामपुरी घुसेड़ देना। अबे जानता है ना वो विटनेस है, उसके पास सिक्योरिटी नहीं होगी क्या? जैसे ही मैं उस सिक्योरिटी का ध्यान बटाऊंगा तू उसे घोप देना, जरा भी रहम मत दिखाना, उसको मारने के बाद ही पगार बढ़ेगी, समझा? मारी इधर ही रहता था, एकदम पक्की खबर थी भाई। वो खास वाले के पास गया था मगर उसकी डॉगी की तरह पिटाई की उसने, लेकिन माफी नहीं मांगी। चलता हूँ सब। Hold it, बहुत जल्दी है। तेरा बेटा ने मेरे बेटे का स्कूल में वट कम कर दिया। एक काम कर, कल सुबह मेरा बेटा पूरे स्कूल के सामने तेरा बेटे का हाथ टांग तोड़ेगा। घबरा मत, हॉस्पिटल का बिल जीएसटी के साथ मैं देगा। गोविंद एडवांस दे दे। अरे रिक्शा, तू बहुत लकी है कि सेठ तेरे को मल्लम पट्टी का पैसा दे रहा है, कल तेरे बेटे का हाथ पर तोड़ डालेगा। सोचता क्या है, रख ले। बेटा खजांची, तेरी इस हरकत ने मुरझाए हुए पेड़ में पानी डाल दिया है। क्या बोल रहे तू? ए कबूतरों, बरसों से म्यान में रखी हुई तलवार में भले ही जंग लग जाए, लेकिन अगर उस तलवार का वार शिकार पर पड़ जाए तो वो काट डालती है। कभी भी किसी का हुलिया देख के उसकी औकात का अंदाजा नहीं लगाने का, क्योंकि ऐसा आदमी बहुत खतरनाक होता है, हुलिया ही बदल डालता है। कल से अगर तू और तेरा छोकरा शहर में दिखाई दिए तो मैं बिल्कुल भी दया माया नहीं दिखाऊंगा। फाड़ डालूंगा। एक ऑटो आ रहा है, तुम लोग तैयार हो जाओ, शिकार उसी के अंदर है। ए, सब लोग तैयार हो जाओ रे, शिकार ऑटो में आ रहा है।
असली औकात पे आ गया, अब दुश्मनी करने का मजा आएगा। दम नहीं है, खोखला हो गया तू, तेरी आंखों में डर दिख रहा है। तो तू है विटनेस। इन्फॉर्मर कौन है वो हमको पता है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए तुझे मारी तक पहुंचना पड़ेगा। और तेरे किराए के टट्टू मारी की मुझ का एक बाल भी बाका नहीं कर सकते। विटनेस को लाने से डर गया क्या? तूने अपुन को एक चांस दिया था और आज अपुन तेरे को खैरत में एक चांस देता है। आज तक तूने न जाने कितने बेगुनाह लोगों को फोकट में टपकाया है, इसकी भरपाई करने के लिए किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाके अपनी नाक कान गुर्दा कलेजा फेफड़ा सब कुछ डोनेट कर डाल, नहीं तो काट डालूंगा। तू मुझे चांस देगा? आज ये केस ऐसे क्लोज होगा जैसे कभी ओपन ही नहीं हुआ था। विटनेस कोर्ट में गवाही नहीं देगा, लेकिन भगवान के पास जरूर देगा, और उसके बाद नंबर आएगा तेरे बेटे। तोड़ ले, मारना, हटना। इतने बरसों में तुम हमको नहीं ना पहचाने। आई एम अ वेरी वेरी बैड मैन। इफ यू आर बैड, आई एम योर डैड। विटनेस के डिटेल बताए बगैर विटनेस को कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता योर ऑनर। हमारी डिमांड है कि विटनेस के बारे में जानकारी दें। अगर उसका नाम बताया तो उसकी जान को खतरा हो सकता है योर ऑनर। विटनेस ना पेश करने के कारण केस को सुबह तक मुलतवी किया जाता है, लेकिन कल विटनेस को हाजिर करना ही होगा। ये अदालत पुलिस को हुक्म देती है कि कल विटनेस को प्रोटेक्शन के साथ अदालत में पेश किया जाए। डिपार्टमेंट आपके साथ है। कोर्ट डिसमिस। विटनेस अगर कोर्ट तक पहुँच गया तो तू जहन्नुम पहुँचेगा। उसे ढूंढने के लिए सिर्फ आज की ही रात बची है। IPS होके तू उसे ढूंढ नहीं सका, ना लाए रे तू। पेपर्स पूरे हैं ना आपके पास? चलिए वहां चल के बात करते हैं। यहाँ खड़े खड़े किससे बात कर रहे थे? नहीं, किसी से नहीं। बहुत मुश्किल से केस तैयार किया है, ऐसे में तुम्हारी ड्यूटी बनती है कि पुलिस की इन्फॉर्मेशन बाहर लीक ना हो पाए। आप अभी तक खबरी का पता नहीं लगा सके सर? मैं कोशिश कर रहा हूँ मैडम, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। इतना मुश्किल भी नहीं है सर। डॉगी दिन भर चाहे कहीं भी रहे, पर शाम होते ही वो सीधा अपने मालिक के पास पहुंचकर उसके तलवे चाटने लगता है, बिल्कुल वफादार खबरी की तरह। मैंने सुना है कि आज मारी कोर्ट आया था, हमें उससे मिलना चाहिए। किस मुंह से मिलेगा अपन? तुम्हारा तो दोस्त था ना? दोस्ती निभाई का? केसरी घर पर है? हाँ है। हाँ बेटा, ये यहीं पे। अरे शनि, आज चांद किधर से निकला? कैसे है तू? मैं एकदम मस्त हूँ, तू कैसे है रे? कट रही है। आजा। काली मारी का बेटा। जब सुना तू दुनिया में आयला है तो तेरे से मिलने के लिए दिल बहुत मचला, पर तेरे बाबा की अपने पे हटी हुई थी इसलिए आया नहीं। क्यों हटी हुई थी बापू की? फॉल्ट अब उनकी थी जो तेरे बाबा पे शक किया। पापा ने आपकी धुलाई नहीं की क्या? काश अपने को धोया होता उसने, पर मेरे को माफ करके चला गया यहाँ से। पर अपुन ने जो काम किया वो माफी लायक नहीं है, सजा मिलनी चाहिए। आपका नाम केसरी है ना अंकल? हाँ छोटे, तेरा बाबा मेरे को याद करता है क्या? हाँ हर रोज। क्या बोलता? बोल। केसरी मेरा बेस्ट फ्रेंड है, पर एक गलतफहमी की वजह से हमारी दोस्ती टूट गई। केसरी भाई का घर यही है क्या? अंकल पापा आ गए। खाना खाया क्या? हाँ पापा। Yeah.
अभी बोलने का क्या? तेरे को मालूम है अपन दोस्ती के नाम पर धब्बा निकला। ए, अरे छोड़ना, रात गई बात गई, एक ही बात को बर्तन की तरह मांझ रेला है। अरे रो भाई गुरा है, तेरे पे सेट नहीं होता है, भाभी क्या सोचेगी। मारे अपन इन्फॉर्मर नहीं है। पता है रास्ते में हूं, बस पहुंच रहा हूं। देखो भी जब ये सब कुछ संभाल पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तुझ पे भरोसा करके आपुन ने इन्फॉर्मेशन दिया और तूने आपुन केज कब्र खोद डाली। मुझ पर शक करना बंद करो बीजा, मेरा कोई इन्फॉर्मर नहीं है, मेरे लिए बस तुम ही एक इन्फॉर्मर हो। वो जो जॉइंट सेक्रेटरी विजय है शायद उसने भेजा। ए, ज्यादा शांत पट्टे मत कर, और अब तो मारी ने भी बोल दिया कि कोई दूसरा इन्फॉर्मर है। ए, डबल गेम खेल रहा है। तुम मुझे इन्फॉर्मेशन देते हो इसलिए मैं चुप हूं, वरना मैं तुम्हें उठाकर जेल में डाल सकता हूँ, समझे। तुम्हारी इन्फॉर्मेशन की वजह से स्टेट में गुंडागर्दी कम हुई है, लेकिन तुम्हारी गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है। ये इन्फॉर्मर है। ये भी तो हो सकता है ना कि वो कोई और हो, मुझसे बड़े लेवल का ऑफिसर हो सकता है। कैसे कह सकते हो कि मैं हूँ? मुझ पर शक मत करो। पता चल गया कमिश्नर, तू ही इन्फॉर्मर है। ए, तू यहाँ क्या कर रहा है? तू यहाँ क्या कर रहा है? पागलों की तरह दिन रात तुझे बचाने के लिए इन्फॉर्मर ढूंढता रहा। इन्फॉर्मर तो तू खुद है, फिर मुझे बेवकूफ क्यों बनाया? हाँ बनाया ताकि अपना पुराना केस क्लोज कर सकूं। अबे एसीबी, तुझसे एक काम तो ठीक से होता नहीं, तू आप उनसे सवाल पूछेगा? काहे को इतना फड़फड़ा रहा है? अंडे में से निकल फिर पर फड़फड़ा। अच्छा तो बेटा इस खेल का कोच तू है क्या? सच की मछली पकड़ने के लिए इन्फॉर्मर नाम का चारा फेंकना पड़ा। क्या हुआ, अलग में आ गई? पहचाना, ये वही लोग हैं जो तेरी वजह से जेल में पत्थर तोड़ रहे थे। तुमने बुलाया था इसलिए मैं यहाँ आया। मुझे इस झमेले में नहीं पड़ना, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ए, चमचे को क्या पकड़ रहा है? गद्दारी का पतीला इधर है। दिमाग की खिड़की खुल गई, ये मारी का प्लान था। ये आप उनसे नहीं होएगा, चलते हैं। कैसे पता कि बीजाई खबरी है? होश संभालते ही अपन गुंडा लाइन में घुस गया मैडम। लिफाफा देख के अपन खत का मजमून भांप लेता है। कमिश्नर का सपोर्ट मिलने से तो बीजा और भी स्ट्रांग हो जाएगा, और जो लोग मेरा साथ दे रहे हैं वो पीछे हट जाएंगे। वो तुम्हारा सरदर्द है, आप उनका काम खलास। मारी मेरी बात सुनो, देखो इसमें तुम ही कुछ कर सकते हो। मम्मी की बात भूल गए क्या? अपनी खुशी के लिए किसी को दुख नहीं देना चाहिए। ये सब होता रहता और मैं चुपचाप बैठा रहता क्या? ये सुन देखकर मेरे अंदर का इंसान जाग गया। मैडम जिस तरह भगवान अपुन के साथ है उस तरह अपुन भी आपके साथ है। अपन जो बोलेगा वही करना। सबसे पहले बीजा के खिलाफ आपको एक जबरदस्त केस बनाना पड़ेगा। पर कैसा केस? वही ड्रग केस। बीजा के ड्रग स्मगलिंग केस में कुछ स्ट्रॉन्ग विटनेस मिले हैं। तुम्हारे खिलाफ केस रजिस्टर हो चुका है बीजा। उसको यकीन दिलाना पड़ेगा कि उसके खिलाफ कोई गवाही दे रहा है। उसका कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन मैं उसे ढूंढ लूंगा। हाँ तो कब ढूंढेगा उसे? जब वो कोर्ट पहुंच जाएगा। और उसको यकीन दिलाओ कि जो इन्फॉर्मर है वो उसके गैंग में ही मौजूद है। कोई आस्तीन का सांप अपुन को डसने के लिए भुदक रेला है। वो टेंशन में आके कमिश्नर पे शक करेगा और उसके बाद अपुन उसका ताकड़ धिन्ना करेगा। झूठा केस करोगी? माना कि केस झूठा है पर क्राइम सच्चे हैं। बस ये ध्यान रहे कि विटनेस की पहचान आखिर तक किसी को ना हो पाए। बाद में कह देंगे किसी वजह से विटनेस नहीं आ पाया। हम इतना तो कर ही सकते हैं सर, हमें बीजा के खिलाफ कुछ पुख्ता सबूत मिल गए हैं। हमें इस केस को फास्ट ट्रैक पर डालना होगा। खबरी कौन है सर? मुझे गलत मत समझिएगा,
पर कोर्ट की हियरिंग होने तक खबरी को छुपाना सेफ रहेगा। वैसे ये खबरी आपका नहीं है। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं। तू इन्फॉर्मर है? इन्फॉर्मर कौन है वो हमको पता है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए तुझे मारी तक पहुंचना पड़ेगा। विटनेस को अदालत में पेश करना ही होगा। सुबह तक विटनेस का पता लगा। तुम लोगों की जेल की टिकट किसने काटी मालूम? उस बीजा ने। वो जिंदा नहीं बचेगा। आज जी डालूंगा उसे। ए, चल गाड़ी निकाल। ठीक है भाई। डॉगी दिन भर चाहे कहीं भी भटके, पर शाम होते ही अपने बॉस के पास जाता है। क्या रे, तेरे को लगा फोन पे लीडो खेल रहे हैं? चीटिंग भी किया तो कोई पकड़ेगा नहीं। अबे पकड़ेंगे भी और खींच के सुतैया भी करेंगे। अबे गुंडे की जायज औलाद हूं। मार मुझे। माँ ने दूध पिलाया तो बहुत थाड़ है अपन का नेटवर्क। कमिश्नर भी अपना पालतू है। अपन है मौत का सौदागर। नमूना देखना चाहेगा? देख, देख कौड़ियों के दाम से। कमिश्नर को डॉगी की तरह घसीट कर लिया जा। अबे फटे हुए दूध की खीर, कभी सुधर नहीं सकता तू। मुझे पहले 8-10 अटैक आ चुके हैं, अभी फाइनल आ गया तो। मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, मुझे कुछ मत करना यार। खड़े हो, खड़े हो। मैं तो तेरा वफादार खबरी था। तेरे भाई की तरह तेरे को भी लकड़ी नसीब नहीं होगी। क्या बंटा है, हलक में आ गई थी क्या? अपन इस शहर में अकाउंटेंट बनने आया था, लेकिन तेरी वजह से मुझे लोगों के अकाउंट बंद करने पड़े। उसी दिन तुझे और तेरे बेटे को मार देना था, लेकिन अब गलती नहीं होगी। पहले इसके भाई को मारा, फिर तेरी बीवी को टपकाया, और आज तुम दोनों की बारी है। अपन तेरी इतनी धुलाई करेगा कि तेरी पूरी बॉडी फ्रैक्चर हो जाएगी। प्लास्टर में तो एकदम पिरामिड लगेगा। अगर आप उनके जूते का सोल चाट के तू माफी मांगेगा ना, तो आप उन तेरे को माफ कर सकता है। लेकिन क्या है ना, तेरे अंदर माफी वाला कीड़ा नहीं है, तो चला जा।
ये तेरे घोगले। गलत फहमी की वजह से तू आप उनका दुश्मन बन गया, लेकिन असली दुश्मन तेरा भाई था जो प्रॉपर्टी के लिए तेरे को टपकाना चाहता था। गलत फहमी की दीवार अगर दिल में बन जाए तो उसको मोहब्बत के बुलडोजर से गिरा डालने का। सभी सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम पर लगाए गए सभी आरोप सच हैं। उसने अदालत को धोखा दिया है। आईपीसी 302 के तहत कोर्ट गंगाधर बीजा को 25 कत्ल करने के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाती है। कोर्ट इज एडजर्न्ड। ए राजन, हद में रे। बीजा ने मेरे को अपने इलाके का वारिस बनाया। तेरे फादर का राज है। क्या तेरे फादर का राज है? ये इलाका मेरा है। इलाका आपुन का, कानून आपुन का, काट डालेगा।